Hi guys, good afternoon. I can't hear you. Good afternoon everybody. I still can't hear you. Good afternoon everybody. Please settle down guys. How many of you are appearing for Jan 25? Everybody? Jan 25. Everybody Jan 25? Abhi tak. Okay, hands down. Both the groups. Abhi tak. Abhi tak, both the groups. Jan 25. Okay, hands down. Netaji. Netaji. आप बैठ जाइए. कल रिजल्ट आएगा, कल बात करेंगे. So, good afternoon everybody. Welcome to CA Inter Group 2. Uncle, मैं बहुत दूर से आवाज मैं बात कर लूँ प्लीज. Yeah. So, welcome to class. पहली क्लास है आज. So we are entering group 2. जीवन कैसा लग रहा है? अरे एक सेकेंड. There are two जीवन. एक तुम्हारा जीवन है और एक ग्रुप 1 वाला जीवन है. ग्रुप 1 की पढ़ाई कैसी हुई? हो गया सबका पढ़ के? 3-4 बार तो हो गया होगा रिवाइज. नहीं, एक सेकेंड. नहीं, हो जाता है. एटलीस्ट 3-4 बार तो हो जाना चाहिए ना. आप सीए इंटर की एग्जाम दे रहे हो राइट? क्या चाहिए बेटा? टीवी रिमोट. क्या? ओके. सो हमारे कुछ यूट्यूब वाले भी है, कुछ क्लास प्लस वाले भी है. लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु इज वाचिंग राइट नाउ. लिसन, सो व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रुप 1, बैठे सर. ये क्लास का मॉनिटर है क्या? ओ, आप भी एम्प्लॉय हो एकाग्रता के. अपन भाई भाई हुए. सैलरी कितना मिलता है तेरे को? 150 रुपए. लिसन, सो हम जब बात कर रहे सीए इंटर एग्जाम्स की, नवंबर वाज द एक्चुअल अटेम्प्ट जो शिफ्ट हो गया अभी जैन 25 में. आइडियल डेट मान के चलिए 3 जनवरी से शुरू होगी एग्जाम. 3. सो 3 अकाउंट्स होना चाहिए. 5 आपका लॉ, 7 टैक्स, 9, 11. 90% 11 तारीख को आपका ऑडिट का पेपर आना चाहिए. तो 10 को आएगा तो 11 को, डिपेंडिंग अपन आई से कब शुरू करता है. नाउ पीपल, मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कितने लोग जैन 25 दे रहे. फ्यू पीपल रोज योर हैंड. यू डिड नॉट, यू आर नॉट अपीयरिंग फॉर जैन 25. व्हेन इज योर अटेम्प्ट? 25, 24. ओह अच्छा, ग्रुप 2 आप जैन में देंगे. ओके ग्रेट. सो दोनों भी दोगे. ये है अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है. और कौन है ऐसा? खतरों के खिलाड़ी. नो, सितंबर 24 वाले. बोथ द ग्रुप सितंबर 24. बोथ द ग्रुप सितंबर 24. खतरों के खिलाड़ी. नो, कोई दीदी कह रही दिसंबर की अटेम्प्ट देने. दिसंबर में तो सीए कहाँ होता है? फाउंडेशन होता है. वो फाउंडेशन भी अब तो हिल गया है. नाउ लिसन, सो दैट्स ग्रेट. आपने जीवन पढ़ लिया होगा पहले राइट? फिर या ग्रेट. So now when we aim for, see, I'll be completing the syllabus soon. So people appearing for September, there are a lot of people who are live जो September देंगे और जो Jan 25 देंगे. Syllabus same है. सदियों से audit का syllabus same ही है, कुछ change नहीं हुआ है. Have you heard something about amendments? समझा amendments? तो amendment मतलब changes, ठीक है. हम कहते हैं law में change आ सकता है, tax में change आ सकता है, पर audit में बहुत ही rarest of rare change आता है. मतलब audit जो मैंने पढ़ी थी आज से 15 साल पहले. I'm first attempt chartered accountant. I'm CA Abhishek Bansal. I'm from Bombay. I've done my CA, I've done my CS, I've done my MBA, I've done very important degree BCom. Yeah, सब चीजें first attempt में की है. CA first attempt, CS first attempt, MBA first attempt, BCom first attempt, सब कुछ first attempt में किया है. नहीं बेटा, scholar नहीं है, सनक थी जीवन में. स्वागत में जाएगा तो इसकी नहीं ना, वो बोल सकता ना. भगवान ने दिया है ना उसको मुंह, बोलेगा ना. वो तू नेता है क्या उसका? सो यूट्यूब वालों एंड क्लास प्लस वालों शांत हो जाओ. लिसन नाउ, सो जब हम एम कर रहे होते हैं, सी सनक थी, स्कॉलर की बात नहीं, सनक थी. आई फेल्ड इन माई 11th स्टैंडर्ड. इन से बॉम्बे में कॉलेज होता है 11th में, ठीक है. FIJC and SYJCB से, first year junior college, second year junior college. I failed in accounts in 11th standard and I'm first attempt chartered accountant. सनक होती है, एक सनक, जिद होती है ना एकदम कि करना है तो करना ही है. तो उस दिन सोचा कि कुछ तो करेंगे, अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे. तो इन द एंटायर sessions I'll be explaining you how, why it is so important, how you have to plan, क्यों पहला अटेम्प्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है. मैं बहुत सिंपल चीज़ें कहता हूँ. पहला अटेम्प्ट ना सुहागरात होती है, जो जोश, जो नशा, जो मेहनत लगती है वो होती है. बाकी तो काली रात है, बाकी तो नॉर्मल है. ऐसा नहीं कि लोग 2 अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट में बनते. एवरीबडी हु इज सिटिंग हियर, हु इज ऑन द ऐप, हु इज ऑन द यूट्यूब, एवरीबडी विल बिकम डेफिनेटली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट अगर हम पहला अटेम्प्ट एम करते हैं, जो फाउंडेशन रूट से आते हैं वो 21 साल की उम्र में सीए बनते हैं. 21 साल की उम्र में जो फाउंडेशन रूट से आते हैं. जो ग्रेजुएशन रूट से आते हैं डायरेक्ट एंट्री वाले, वो 24 साल की उम्र में बनते हैं. अब आप समझिए, अगर हम पहले अटेम्प्ट वाले होते हैं, अगर हम 21 साल में बनते तो आपके फादर जो होंगे अराउंड 45-48 के होंगे. 24 ईयर्स वाले जो ग्रेजुएशन वाले आपके पापा होंगे 48-50. 50 साल की उम्र में अगर आपको कहीं भी एक भी अटेम्प्ट लगा तो पापा आज भी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि उनका बच्चा आज भी पढ़ रहा होगा. ये समझ के देखिए. हमें लगता है कि यार ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है फेल हो गए तो. फेल हो गए तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, फेल हो जाता आगे फ़र्क पड़ेगा आपको. क्योंकि अगर आपको एक भी अटेम्प्ट लगा, आई एम टेलिंग यू, मुझे 13 साल हो गया पढ़ाते हुए. मैंने बहुत बच्चों की ज़िंदगी बनते हुए देखी है, बहुत जन की बिगड़ते हुए भी देखी है. हमारा पासिंग परसेंटेज कितना होता है, कितना होता है पासिंग परसेंटेज? हाँ, बोथ ग्रुप्स. मैं ऑन अ हायर साइड 15% पकड़ता हूँ. हायर साइड 15%, मतलब हर 100 बच्चों में से खाली 15 पास होंगे, 85 फेल होंगे. क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं आ रहा है, टीवी पे भी नहीं आ रहा है. ओके, पर यहाँ पर तो कनेक्टेड है. 1 सेकेंड, ये कहाँ से होएगा अभी? आई नीड टू कॉल समवन. 1 सेकेंड ना, सर ये टीवी वाला स्क्रीन नहीं आ रहा है एक्चुअली, मतलब क्लास में, मतलब टीवी पे स्क्रीन नहीं दिख रही है. और प्रोजेक्टर वाला, मतलब कहीं भी कोई भी टीवी नहीं चल रहा एक्चुअली. हाँ, ना प्रोजेक्टर चल रहा है. ओके, जेडी सर आ रहे, लेट्स टॉक. ये इसको निकालो. हाँ, 1 सेकेंड. वो या तो आ जाएगा वापस से, मेरा एक टूट गया. ये कैसे हो रहा है? तो ये कौन कर रहा है? आ गया. यहाँ क्यों नहीं आया? जा थैंक यू सर वेरी मच. अभी देखो यहाँ चला गया. वहाँ पे टीवी पे दिख रहा है क्या? नहीं, ये ऐसे ही हुआ था स्टार्टिंग में. ये तो नहीं प्रॉब्लम, वापस निकाल यार आप. का मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है, दोनों को एक साथ नहीं लेके जा पा रहे क्या? नहीं, अभी 2 सेकंड के लिए पहले स्टार्टिंग में तो आया था ना, करो निकाल के एक बार। भगवान के पास जाके रोज चालू हो जा। अभी नहीं लिखना था, 10 मिनट बाद लिखना है। ठीक है, या सो वी वर टॉकिंग, लिसन, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑन 100 15 गेट क्लियर, 85 गेट फेल। ठीक है, अगर हमें कोई भी ग्रुप में अटेम्प्ट लगता है, से हमें लग रहा है कि 3 अटेम्प्ट आ गए हैं, जैन सितंबर हो गया है और दिसंबर आ गया, तो इट्स बेनिफिशियल। अब सोच के देखो, अगर एक भी अटेम्प्ट लगता है तो आपका फाइनल सीए डिले होता है। रीजन बीइंग यू कांट स्टार्ट योर आर्टिकलशिप इफ यू नो दैट, राइट? आर्टिकलशिप कब शुरू होगी? आफ्टर बोथ ग्रुप्स। तो आपको दोनों ग्रुप क्लियर करना बहुत जरूरी है। जबकि दोनों ग्रुप की आर्टिकलशिप शुरू होगी, उसका पीरियड है 2.5 साल का, बराबर? जब वो खत्म होगी उसके बाद आप सीए फाइनल अपियर कर पाओगे। एंड कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगे। Nobody can give you that guarantee. Now, in case आपको कोई भी जहाँ पर अटेम्प्ट लगता है, इधर इन इंटर, इंटर इन फाइनल्स, इंटर इन, इधर इन G1, इधर इन G2, तो आपकी एज आगे सरपास होगी। अब 21 वाले 22 के हो जाएंगे, 24 वाले 25 के हो जाएंगे। अगर आप 25 के हो तो पापा 50 के। पापा आज भी दुकान जा रहे, पापा आज भी जॉब पे जा रहे, पापा आज भी मेहनत कर रहे। मम्मी आपकी होम मेकर होंगी, ठीक है, शी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड। हाउ मेनी पीपल हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड इंदौर, प्लीज रेज योर हैंड। ओह, 90% ऑफ द क्राउड, ग्रेट। सो नाउ आप बाहर से आए हो, आप एक ऐसे शहर से आए हो, यहाँ आप कुछ पढ़ के कुछ बनना चाहते हो, राइट? योर पेरेंट्स हैव पेड ह्यूज फीस, बराबर? तभी तो घरों के आगे ऑडी होती है। तो अंडरस्टैंड, सी, हमें लगता है कि यार देखो उनका काम था हमें पढ़ाना, उनका काम था पैसे देना, दे दिया। पर आप सोच के देखिए, whatever fees you have paid, okay, towards a hostel, towards आप यहाँ हो 3-4 महीना, यहाँ ग्रुप 1 में भी यहाँ थे, आना जाना, रहना, खाना पीना, हॉस्टल, मेस, including the coaching fees, is it given by your parents? I would not say it's given, it's sponsored by your parents. आपने तो हाथ ऐसे रखा ना, क्लास की फीस, ट्रेन के पैसे, बस के पैसे, इंटरनेट के पैसे, लैपटॉप के पैसे, टी शर्ट के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे। मे बी जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे, लाइक पीपल हुआ नॉट फाइनेंशियली वेरी साउंड, ओके, हम सारे लोग, ठीक है, एक्सेप्ट बाकी सब लोग नॉर्मल, अपन सब मिडिल क्लास वाले लोग हैं, बराबर? बट सपने बड़े अपने, करेक्ट? सो जो आपकी 2-2.5 महीने की जो क्लास है, सिर्फ पढ़ो, मजे करो, मस्ती करो, ये जीवन है, ठीक है, ये जिंदगी है। बट वेन यू आर स्टार्टिंग ना, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, क्योंकि आप देखो, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे, जतिन सर के लिए नहीं पढ़ रहे, एकाग्रता के लिए नहीं पढ़ रहे, आप खाली आपके लिए पढ़ रहे हो। सीए बनोगे तो आप बनोगे, जीवन सुखी होगा तो आपका होगा, आपका परिवार खुश होगा। Obviously we will be happy because we are your teachers, but जितनी भी प्रोग्रेस होनी है ना वो आपको होनी है। सो ये मान के चले कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्लास अटेंड करने के बाद आई नो फिजिकली मेंटली यू आर वेरी मच टायर्ड, अगर आप सोचो ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी मैं मेरे घर जाऊंगी, फिर वहाँ जाके मैं पढ़ाई करूँगी, कब सितंबर आएगा, कब अक्टूबर आएगा, कब नवंबर आएगा, कब जैन 25 आएगा, पता ही नहीं चलेगा। टाइम फ्लाइज, ग्रुप 1 खत्म हो गया ना, पता ही नहीं चला कब हुआ, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ क्लास के इंस्ट्रक्शंस है। नंबर 1, मैं जितनी भी चीज़ आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चीज़ें पता हो। जो मैंने क्लास में पढ़ा है, नेक्स्ट डे विल हैव आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ प्लेइंग KBCA, कौन बनेगा सीए। जो मैंने क्लास में पढ़ा, मेरे को चाहिए राइट फ्रॉम द लास्ट टू द फर्स्ट बॉय, सी एवरीबडी इज इक्वल टू मी, ठीक है? आपके पापा नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेजिडेंट हो, एक्सेप्ट अंबानी है, किसी के पापा अंबानी, देखो बाकी किसी का डर नहीं, खाली अंबानी जी से डर है, बाकी तो किसी का डर नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आई वांट एवरीबडी टू आंसर इन द क्लास। जो आपने पढ़ा है कल सुबह जब आप आ रहे हो क्लास में, ठीक है, बुक खोल के जो अपन ने लिखा है, पढ़ा है, खाली रिवाइज करके आइए, ठीक है? मेक श्योर दैट सब्जेक्ट गेट्स ओवर विद द टीचर इटसेल्फ। अंडरस्टैंड, आपका 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी ग्रुप 1 के पढ़े हैं, जो पढ़ने हैं, जो कोर्स खत्म हुआ है वो टीचर्स का हुआ है, तुम्हारा किधर हुआ है? हाँ तुम्हारा तो बच्चा है ना बीबी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो क्लास में हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग हुआ, FMSM हुआ एंड ऑडिट हुआ, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ के चलो जो आप टीचर के साथ खत्म कर दीजिए। नहीं इफ यू थिंक जैसे आप सितंबर ही देंगे तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो यू नीड टू स्लॉग वेरी लाइक बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको। तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे वो टीचर के साथ खत्म कर दीजिए, दोनों ग्रुप में, वेदर यू टॉक अबाउट ग्रुप 1 वेदर यू टॉक अबाउट ग्रुप 2। सी मैंने दोनों ग्रुप दिए, मुझे पता है कि व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑन क्लियरेंस ऑफ द बोथ द ग्रुप्स। आपको दोनों ग्रुप में से कोई भी एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा जो आपको एग्जामिनेशन ला के दे। ग्रुप 1 में सबसे स्ट्रांग कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? अकाउंट्स, टैक्स। हेड्स आएंगे देखना, पहला क्वेश्चन नंबर 1, 5 हेड्स है ना, ठीक है। मई 24 का पेपर सॉल्व करके देखो कि जिसका पढ़कर हो गया था, फट के हाथ में आ जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड वैल्यू होता है पेपर का, एक लेवल है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर 4 मार्क का समय 4 में से 4 मिलना है, 6 मार्क का समय 6 में से 6 मिलना है, 8 है तो 8 में से 8 मिलना है। मेजॉरिटी लोगों को 80-90, अगर अकाउंट शॉर्ट हो गया ना तो आपका जीवन शॉर्ट, तो दोनों ग्रुप शॉर्ट, तो इंटर सी एक शॉर्ट हो जाएगा आपका। हमें लगता है हमको टैक्स आता है पर पेपर भी लेवल वाला आता है टैक्स का, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ग्रुप 1 में कैसे करके अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो, जिनको थियोरी पसंद है उनके लिए लॉ, जिनको प्रैक्टिकल पसंद है अकाउंट्स। नीचे ग्रुप 2 में आज आपका पहला क्लास, आपको कुछ तो आइडिया होगा कॉस्टिंग को और FM को देखे। ग्रुप 2 में जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए FM। जी सर, ठीक है, तो अभी क्या करें, अभी दे दीजिए फिर अभी, ठीक है, फिर शाम को देखते हैं या कल देखते हैं फिर। सो ठीक है, ग्रुप 2 में सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज योर FM। नो डाउट द सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, पर वो मेहनत है, मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। अगर FM फोकस कर लिया, क्योंकि देखो ग्रुप 2 का दिक्कत क्या होता है, कॉस्टिंग में थियोरी मिलेगी आपको, FM SM में SM थियोरी मिलेगा, ऑडिट में थियोरी मिलेगा। तो यू नीड सपोर्ट ऑफ ग्रुप 1 अंडर एनी सर्कमस्टेंस, क्योंकि ग्रुप 1 का जो भी बोनस मार्क है वो नीचे ग्रुप 2 में मिलेगा एंड तो जाके क्लियर होगा। आप सेट ऑफ से क्लियर हो, आप बिना सेट ऑफ को क्लियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपसे सीए बनेगा ये पूछेंगे भाई कितना अटैम्प्ट लगा है, पहला अटैम्प्ट लगा है कि 2 अटैम्प्ट लगा है कि 4 अटैम्प्ट में लगा है, लोग यही पूछते हैं। तो क्लियरिंग बोथ द ग्रुप इट शुड बी योर फर्स्ट एम। कर पाएंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को, एक सेकंड, ये आईपैड नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? माय क्वेश्चन इज दिस, मेरे को एक फाइल भेजनी है। ये आईपैड का नाम क्या है? पता नहीं मेरे को नाम। आ गया। ये सर वन नोट है ना, ये जेडी सर ये वन नोट है ना, ये जो गुड नोट सर, ठीक है। नाउ So now when we talk about the subject, so we are in CA Inter G2 paper number 5, auditing and ethics, 100 marks paper, बहुत इंटरेस्टिंग है फाइनल में, क्योंकि ये सब सेम सब्जेक्ट मिलेगा आपको, प्लस जीवन भर CA बन के यही करना है, ठीक है। 100 मार्क्स पेपर 100 मार्क का नहीं आएगा, पेपर आपको मिलेगा 116, 118, 120 डिपेंडिंग अपॉन कितने इंटरनल ऑप्शंस आते हैं। 2 पार्ट है, 70 मार्क्स 30 मार्क्स। 70 marks is your descriptive, 30 marks is your MCQs. कितने लोग वर्नाकुलर मीडियम से आए अदर देन इंग्लिश? प्लीज रेज योर हैंड, इट्स ओके. पीपल हु हैव कम फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, प्लीज रेज योर हैंड, इट्स ओके. अदर देन इंग्लिश मीडियम, स्कूल में आपने हिंदी मीडियम से पढ़े हो, गुजराती मीडियम से पढ़े हो, कोई और मीडियम से पढ़े, रेज योर हैंड, इट्स ओके. ठीक है, दो चार लोग, ठीक है, इट्स ओके. 1 सेकेंड. हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा, 1 सेकेंड ना गाइस, 1 सेकेंड. ठीक है, जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं, कोई अगर अदर देन इंग्लिश मीडियम, डरने की बात नहीं है. इंग्लिश वालों को भी नहीं आएगा, आई विल प्रूव यू इन द नेक्स्ट 30-40 days. उनको भी नहीं आएगा. इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू रिमेंबर द कंटेंट. आप एक नोटबुक लेकर आए हो, सो विल बी राइटिंग नोट्स इन द क्लास. द की टू सक्सेस इज हैंड रिटन नोट्स. आज बुक देखी होगी आपने, 550 पेज की बुक है, ठीक है, पूरा हैंड रिटन फॉन्ट है वो. इट्स अ हैंड रिटन फॉन्ट वाला बुक. आपको साथ में एक मिली होगी एमसीक्यू बुक, बराबर? तो 2 बुक मिली हुई है. उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे हैंड रिटन नोट्स से. अपने क्लास के जो नोट्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी लोगों को अभी तक, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी क्लास में हम लोग लिख रहे हैं, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मैं क्लास में ही नोट्स बनवाऊँगा. अंडरस्टैंड, कॉस्टिक दे के आने के बाद, कॉस्टिंग का पेपर 5 बजे ख़त्म होगा, 5:30-5:45 तक आप घर पहुँचोगे. एक दिन की छुट्टी होती है, उसके नेक्स्ट दिन बाद आपके पास ऑडिट का पेपर है. इफेक्टिव 24 घंटे होते हैं. हमारे पास 11 चैप्टर्स है. अगर मैं 2 घंटा एक चैप्टर को देता हूं तो 22 घंटे मिलते हैं मेरे को पढ़ने के लिए. पर कुछ ऐसा हो सकता है कि 22 घंटे में शायद एक चैप्टर 2 घंटे में ना हो. आप 8-8 घंटा सोओगे भी तो, खाओगे पियोगे हगोगे मुतोगे. इट विल टेक प्रोसेस, राइट? इट विल टेक टाइम. सो आपके पास इफेक्टिव पढ़ने के लिए 15 घंटे होते हैं. 11 चैप्टर्स, 15 घंटे, 550 पेज की बुक, मॉड्यूल, ICI का RTP, ICI का मॉक पेपर, 2 मॉक पेपर, सब कुछ 1.5 दिन में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है. तो उसके लिए क्या मदद मिलेगा आपको? खुद के हैंड रिटन नोट्स. ऐसा नहीं कि वो हैंड रिटन नोट्स का PDF नहीं है मेरे पास, है, पर आई विल नॉट शेयर विद यू गाइस. आई वांट एवरीबडी टू राइट इन द क्लास. एग्जाम अपनी ओरल है कि रिटर्न है? वाइवा नहीं है ना, रिटर्न एग्जाम है, राइट? तो लिखना पड़ेगा. प्यार से हंसना, डरा क्यों रहे यार, प्यार से हंस यार. तो क्लास में अपने को लिखना पड़ेगा. कोई बच्चा बोलेगा सर कोई लिख लेगा, कोई बात नहीं है. जैसे होते ना लोगों के बाबू, तुम्हारे भी होंगे, ठीक है, तो बोलते हैं कि सर वो लोग लिख लेंगे, हम लोग जेरोक्स करा लेंगे. ध्यान रखना, पेपर हैंड रिटन है. आपको खाली एक ही जन के हैंड राइटिंग पसंद आती है, वो किसकी? खुद की. बाकी किसी की पसंद नहीं आएगी. हैंड रिटन खुद के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे. सो अगर आज बुक नहीं लाए हो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक के बाद ले आइएगा, पर हम क्लास में नोट्स लिखेंगे. 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क का एमसीक्यू है, 11 चैप्टर है. बहुत छोटा सिलेबस है. पहले हमारे पास 15 चैप्टर्स हुआ करते, अब खाली 11 चैप्टर्स रह गए, जिसमें से खाली 3 बड़े चैप्टर्स है, जो कि चैप्टर्स के पेजेस होंगे 100 प्लस. बाकी सारे जो चैप्टर्स है ना, 25 पेज, 30 पेज, 40 पेज, खत्म. मैं आपको ICI के मॉडल के पेजेस बता रहा हूँ, खत्म हो जाएगा. तो सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट फर्स्ट. आपने सुना 2 शब्द है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ठीक है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स. तुम्हारे हिसाब से, अच्छा, कुछ पहले इंस्ट्रक्शन. नंबर 1, डो नॉट रिमेन एब्सेंट. पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, लोकलाइट्स भी जो है, यूट्यूब वालों एंड क्लास वालों, अपने एब्सेंट मत रहना, क्योंकि अगर एक दिन मिस हुआ ना, 4 घंटा मिस है. बैकलॉग बढ़ता जाएगा. Monday to Saturday एवरी डे होगा, ध्यान रखना. बैकलॉग बढ़ता जाएगा. एंड ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर एक दिन मिस है तो मान लीजिए मैक्सिमम आई थिंक 80% चैप्टर मिस हो गया आपका, तो यू कैंट कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास. और वो बैकलॉग खत्म करके आना पड़ेगा. तो एब्सेंट मत रहना. बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है, सर दुख रहा है, बुखार है, कुछ भी इशू है, आ जाओ क्लास में, बैठ जाओ. अपने क्लास है, घर तो अपना ही, अभी लेट जाओ, मुझे कोई दिक्कत, आपने पैसे भर दिए, खत्म. बाद में आई डोंट हैव एनी राइट टू टेल यू कि नहीं आप ऐसा क्यों बैठो. आपको बैठना है बैठो, सोना है सो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. देखो आपका पैसा है, आप या तो पढ़ने आए हो या तो आप क्लास में सोने आए हो, मतलब आपकी इच्छा है ना, आपका पैसा. मैं कौन हूँ रोकने वाला? जब आपको अपने पैसों की कदर नहीं, तो मैं कौन हूँ रोकने वाला यार? अब जैसे बहुत सारे होते हैं जो लोग ऐप पे देखते हैं जो क्लास बंद कर देते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हमने पैसा देते खत्म हो गया, क्योंकि यार हमारा भी तो सपना है, हम भी तो BMW लाए, बराबर। जब ऑडी आ सकता तो BMW भी आ सकती, तो आप लोगों की तो देन हो। सो इफ यू इवन इफ यू आर नॉट वेल, प्लीज कम टू द क्लास। नंबर 2, नहा के आना, सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 3, आपका दूरध्वनि क्रमांक स्विच ऑफ साइलेंट मोड पे होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, एक्सेप्ट टू एग्जामिनेशंस। मम्मी का पापा का फोन आया, उठा लेना, मैं कभी नहीं रोकूंगा। आप लोग बाहर से आए हो, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तुमको क्लास में खाना है, पानी पीना है, आई एम बीइंग वेरी क्लियर, पानी पीना है। जिसको समझा उसको समझा, बाकी पोगो देखो, करो, कोई दिक्कत नहीं। खाली एक ही रिक्वेस्ट है, बाजू वाले को जरूर दे देना, नहीं तो भी वो मुंह बनाता रहेगा। खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर है यार, 4 घंटे यार, मुझे पता है पढ़ने आए हो, तुम पढ़ोगे ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, खाओ पियो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोना है सो, हाँ, बस क्लास को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू प्ले गेम्स, वॉच क्रिकेट। तुमको मैच देखना, मैं दिखाऊंगा तुमको क्लास में मैच, ठीक है। जो लोग ने ग्रुप 1 मुझसे किया उनको पता होगा, हम क्लास में गाने बजाते हैं, डीजे चलता है, सब कुछ होगा, क्लास में मजे होंगे। बट व्हेन यू आर स्टडिंग, whatever time we are studying, be honest to yourself, because आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, आप मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। नाउ 2 शब्द है, ऑडिट एंड एथिक्स। मुझसे बात करें तो मुझे दौरे पड़ेंगे, ठीक है, और तुम्हें भी। ऑडिट, तुम्हारे हिसाब से ऑडिट क्या होता है? एक सेकेंड सर, इंसान सर, प्लीज रेज योर आंसर प्लीज, इट्स ओके इवन इफ इट इज रॉन्ग। यस सर, रिव्यू करना। किस चीज का रिव्यू करना? अकाउंट्स का। यस सर, आप कुछ कह रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, जांच करना, कोई कह रहा है जांच करना, चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस मैडम, चेक करके अपना ओपिनियन देना। किस चीज पे अपना ओपिनियन देना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, या यस सर। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, एक और होता है सो की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जीवन हो गया है क्या? अच्छा, सर का हुआ है, सर का हुआ है, राइट। 5 चीजें मिला के हमारे एफएस होते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट एंड सो की होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये 5 चीजें मिलकर हमारी क्या बन जाती है? एफएस, ठीक है। तो किसी ने बोला रिव्यू करना होता है, किसी ने बोला चेक करना होता है। चेक करना क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बीच में एक शब्द है एंड एथिक्स। एंड का मतलब और, हिंदी वाला के इंग्लिश वाला? साथ में हाँ, जैसे एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि ऑडिटिंग भी पढ़ना है एंड साथ में अपने को एथिक्स भी करना होना चाहिए। अब एथिक्स करना क्या होता है? कायदा, कानून। नहीं, तो एंड का मतलब तो जॉइंट, साथ में चलेगा वो, बराबर। एथिक्स मतलब, एक सेकेंड, कोई बोला, चिल्ला के बोला इंग्लिश में मोरालिटी। कौन बोला वो बेटा? मोरालिटी। आप बोले मोरालिटी, हिंदी में समझा, इंग्लिश समझता नहीं है। मोरालिटी मतलब, एक सेकेंड, कुछ बोल रहा है वो, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करना, उनका पालन करना, या प्रोटोकॉल। अच्छा, तो कुछ कह रहा है, अरे बोलना है। ICAI के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो कर, वो तो फिर लॉ हो गया ना यार, रूल रेगुलेशन फॉलो करना लॉ हो गया, वो थोड़ी एथिक्स हुआ। कहां से आवाज आई? सर कहां हो आप? वो क्राइम पेट्रोल देखकर आया है, कुछ बोल रहा है वो। इंसानियत कौन था वो? एक सेकेंड, प्लीज क्लोज योर ब्रेस्ट प्लीज। क्लास में आप आए हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो? या बताओ, इंसानियत बताओ। पब्लिक वेलफेयर के लिए हम लोग EVS पढ़ रहे हैं। इंसानियत तो सही बोला, इंसानियत के तौर पर क्या? यस मैडम, कुछ कह रहे हो आप? नहीं, सावधान इंडिया देख रहे हैं ना। जो दूसरे को हार्म करे वो करना है कि वो नहीं करना, दैट्स कॉल्ड एज, बेसिकली आपने जो बोला शब्द मोरालिटी, ठीक है। अपने फायदे नहीं सोचने, दुनिया के फायदे सोचने, दुनिया के बारे में भी सोचना आपको, ठीक है। अब जब हम ऑडिट करते हैं, हम, मैं कह रहा हूं हम ऑडिट करते हैं, हम मतलब कौन करता है? सीए तो नहीं करता ऑडिट, कौन करता है? सीए इन प्रैक्टिस। तो सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ना, पीपल हू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब एंड ऑन ऐप, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज वेयर ईयरफोन्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आप अभी जब रिकॉर्डेड सेशन घर पे देखो, ठीक है, पापा मम्मी बाजू में, तो प्लीज ईयरफोन पहन के क्लास देखना करिए, ठीक है, समझ जाओगे बाद में धीरे धीरे। नाउ सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सीए बन जाते हो तो क्या होता है, एक आदमी जब सीए बन जाता है वो क्या कर सकता है? जॉब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, व्हाट्स योर नेम सर? गोविंद, ओके। सो गोविंद सीए बन गया। अब गोविंद की हरकत और शक्ल देखो, उसको काम नहीं मिला, बराबर, सत्य है, ठीक है। इसके यहाँ लिखा है रोज मेरी मार लो जो ऐप पे देख रहे बोलते हाँ हमको तो पता ही है सर, ठीक है। अब तो आई कॉन्टेक्टेड माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड, अपना मुखिया मुकेश, मेरा मुकेश सुनना, गोविंद है, अपना ही बच्चा है, ठीक है, सीए बन गए, इसको कुछ काम देते बोलो, ठीक है। अभी क्या है, आनंद का शादी का प्रिपरेशन चल रहा है वहां पर, बराबर, उसका तो ना स्पेन गया प्री वेडिंग का उस करने के लिए क्रूज पे, दूसरा वाला सीजन 2 चल रहा है अभी उसका। तो भाई क्या साफ सफाई के लिए हमको कोई लड़का चाहिए, तो बोला ठीक है गोविंद आ जाएगा ना। गोविंद इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोविंद इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इज वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या ये रिलायंस की ऑडिट कर सकता है? येस और नो? आपने बोला ऑडिट मतलब रिव्यू करना, मतलब चेक करना, क्या चेक करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, बराबर। तो देख सकते हैं, तो सीए है ना, इसको तो आता है, कॉस्टिंग आता है, अकाउंट्स आता है, लॉ आता है, टैक्स आता है, सीए है, पर ये एलिजिबल नहीं है ऑडिट करने के लिए। कौन होता है एलिजिबल ऑडिट करने के लिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता कौन है? माय बाप, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन देता है वो? आईसीएआई। सो हम उस आदमी को प्यार से कहते हैं ऑडिटर। सो ऑडिट इज ऑलवेज डन बाय एन ऑडिटर। तो हम सीखेंगे ऑडिटर के बारे में थोड़ी बहुत। आपने एक चैप्टर किया होगा लॉ में, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, राइट? सो उसमें सिखाया गया आपको क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट? सो ऑडिट इज ऑलवेज डन बाय एन ऑडिटर। ऑडिटर बेसिकली मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इश्यूड बाय ICAI, ठीक है। अब जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं, हमें हमारे एथिक्स फॉलो करने होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी क्या मैं एकाग्रता की ऑडिट कर सकता हूं? मैं तो सीए हूं, मेरे पास तो सीओपी भी है, मैं तो ऑडिटर बन सकता हूं ना। हाउ डू बिकम ऑडिटर? चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बराबर। तो मैं एक सेकेंड यार, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं पहले बताओ। अबे एक सेकेंड, एलिजिबल कैसे होते हैं? सीए प्लस सीओपी एलिजिबल है, पर एक सेकेंड, तो फिर मैं ऑडिट क्यों नहीं कर सकता? और मेरे को तो ऑडिट आता भी है, मैं डिस्क्वालिफाइड। व्हाई डिस्क्वालिफाइड? आई एम टेकिंग रेम्यूनरेशन, राइट? तो आप मुझे बताओ, कल कोड क्या गया, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, कोई किसी को बोलेगा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। कल कोड क्या, एकाग्रता फ्रॉड कर रहा है, एग्जाम्पल है खाली, ठीक है, सारी बातें काल्पनिक, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कल को उठ के एकाग्रता अगर फ्रॉड करता है, टैक्स की चोरी कर रहा है, क्या मैं जाके दुनिया को बताऊंगा कि एकाग्रता चोर है, अंशुल सर हाय हाय ऐसा बताएंगे? अपन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे घर पे रोटी कपड़ा पनीर किसकी वजह से आ रहा है? एकाग्रता की वजह से, बराबर। सो ऑडिटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट, ऑर्डर हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। सो वो इंडिपेंडेंस कैसे होते हैं? अपने एथिक्स फॉलो करने होते हैं। अच्छा, अभी दिल पे अपने 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 दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मैं मेरे ससुर जी की कंपनी की ऑडिट कर सकता हूं? क्या मैं मेरे ससुर जी की कंपनी, ससुर जी तक मैं फादर इन लॉ, क्या मैं ससुर की कंपनी की ऑडिट कर सकता हूं? एक सेकेंड, ऑडिटर बनने के लिए क्या चाहिए अपने को जीवन में? सीए प्लस सीओपी। एम आई चार्टर्ड अकाउंटेंट? थैंक यू। Do I hold COP? Yes. So I am eligible. एलिजिबल हूं? डिस्क्वालीफाइड किधर लिखा है? डिस्क्वालीफाइड लॉ में किधर लिखा है? तुम्हारा तो लॉ हो गया है, 140(1) में नहीं लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन। उसमें ससुर जी की कंपनी में क्या ऑडिट लेते हो, कहीं नहीं लिखा हुआ है। रिलेटिव में ससुर जी आते ही नहीं है, या तो वो फादर स्टेप फादर, मदर स्टेप मदर, ब्रदर स्टेप मदर, स्टेप है राइट 277, वेरी गुड। फादर इन लॉ आपके रिश्तेदार में है ही नहीं। अब वो अगर रिश्तेदार में नहीं है तो वो डिस्क्वालिफाइड में नहीं है, डिस्क्वालिफाइड में नहीं है तो फिर आप वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं है तो फिर आप ऑडिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऑडिट कर सकते हैं। बड़ा पक्का लगा के बताओ मुझे, कल को उठ के मेरे ससुर जी फ्रॉड कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, क्या मैं जाके दुनिया को बताऊंगा? बताओ कि ससुर जी में शक्ल लिख के था, क्या मैं दुनिया को जाके बताऊंगा? नहीं भाई, एक सेकेंड, अगर बता दिया ना मेरे रात की तकलीफ हो जाएगी। अरे डिनर डिनर प्रॉब्लम, नॉनसेंस, चुप। डिनर बोला मैंने, होटल ले लेना। तू होटल जाता है ना, तो डिनर का प्रॉब्लम हो जाएगा अपने को। सो यू कांट, सो बेसिकली वो क्या बोलता है, भले आप लॉ में नहीं हो, मतलब लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है फादर इन लॉ की कंपनी का, बट देयर यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। आपको अपने एथिक्स, जैसे एक क्राइटेरिया होगा आपका इंडिपेंडेंस, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। लॉ में तो बोलते कि आप कर लीजिए ऑडिट, पर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत काम कर रखा है। मेरा तो फर्ज बनता है ना, बताऊं दुनिया को, देश का जागरूक नागरिक, बराबर। मोदी जी आएंगे कल फिर बराबर फिर से बोलेंगे तुम देश के युवा हो, तो तुम पर पूरा देश टिका हुआ है। तो अगर तुम सत्य नहीं बताओगे तो लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? सो इसलिए वो बोलते हैं उसको ऑडिटिंग एंड एथिक्स। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो यू नीड टू फॉलो एथिक्स, अंडरस्टूड। सो 11 चैप्टर्स हमारे पास, खाली 3 चैप्टर्स बड़े, बाकी 8 चैप्टर्स बहुत छोटे, बहुत प्यारे चैप्टर्स है, फटफट खत्म हो जाएगा। डू नॉट रिमेन एब्सेंट। कैसा लगा सब्जेक्ट का इंट्रो? अच्छा है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे उतना आपको, उतना ईजिली आपको समझेगा। रिमेम्बरेंस इज द की टू सक्सेस, याद करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम चतुर, स्तन रट्टा मारना पड़ेगा कंटेंट को, ठीक है। कोड बना के देना, कहानी बनाना, स्टोरी से बना के याद करना, याद करवाने का काम मेरा है, पर याद आपको करना होगा, ठीक है। विल बी हैविंग 2 सेशंस, 1:30 to 3:30, then again 3:45 to जब तक है जान, in the teacher or the student whichever is earlier, ठीक है। तब तक अपने सेकेंड सेशन चलेगा, ठीक है। जब भी तुमको खाना पीना बिंदास का, खाली बाजू वाले को दे देना, ठीक है। डू नॉट यूज योर फोन एक्सेप्ट इफ योर पेरेंट्स आर कॉलिंग, दैट्स द ओनली एग्जाम्पशन इन द क्लास, ठीक है। सोना है सो, खाओ पियो, जो करना करो जीवन में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया वापस से पूछो, सर नहीं समझ में, वापस से जाओ, आगे। सो आपको नहीं समझ में, आप फिर से पूछे कि सर नहीं समझ, आपने पैसे पूरे भरे हुए, ठीक है ना। 11 चैप्टर्स है, 100 मार्क का पेपर है, 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव का है, 30 मार्क एमसीक्यू का है। कितना ला सकते हैं अपन, कितना मार्क्स आ सकता है बताइए? कितना भाई, एक सेकंड, 2-3 लोग मिलके नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, इंडिविजुअली ईच, इंडिविजुअली ईच बताइए, बताओ। तो पागल हो गए, 100 मार्क लेकर आएंगे, हाँ सही बोलिए, 60 to 100 के बीच में। मुझे चाहिए 70। सी व्हेन यू एम फॉर 70 यू लैंड अप एट 60, व्हेन यू एम फॉर 60 यू लैंड अप एट 40, व्हेन यू एम फॉर 40 कमर जितने मार्क्स आते हैं, 32, 34, 36 उतने मार्क्स आते हैं। तो इट इज एम ज्यादा कीजिए, अभी तक का हाईएस्ट है 86, ठीक है। आई वांट समबडी टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड। अच्छा, पहला रीजन तो क्या होता है, अगर मैं 70 बोलता हूँ, अगर हमने 70 एम किया, आपको 60 मार्क कहीं भी अगर आप लैंड हो जाते हो तो क्या होगा, 150 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझना। 150 का क्राइटेरिया अपना, 150 मार्क लाना है। अगर हमें 40-40 का अगर हमने एम किया तो 150 होगा ही नहीं। आई से की बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों को 140-145 पे रोकना। आपसे पहले एक सिलेबस हुआ करता था IPCC, अगर किसी को पता होगा थोड़ा सा, उसमें 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में थे, 3 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में थे। अब जब 3 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में थे, कॉस्टिंग था, ऑडिट था, ITSM था, भर के बच्चे फेल होते थे। आई से 140-145 पे रोक देता था। रीजन भी क्योंकि अकाउंट सबका अच्छा फेवरेट है, सॉरी कॉस्टिंग, अच्छा अकाउंट्स 2 था, सॉरी नॉट कॉस्टिंग, अकाउंट्स 2 फेवरेट होता था लोगों का, तो उसमें 55, 60, 65 मार्क आते थे, ऑडिट 40-45, ITSM 40-45। बाई चांस किसी में भी अगर थोड़ा सा कम मार्क आ गया, 145 पे रोक दिया, आप ग्रुप 2 फेल हो। ग्रुप 2 का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, आपको विश्वास नहीं होगा, 90% मैं यहीं रहूंगा जब मे का रिजल्ट आएगा, तो आप देख लीजिएगा कितने बच्चे ग्रुप टू में फेल होंगे। रीजन ये है क्योंकि ग्रुप वन में क्या होता है, अकाउंट्स इंटरेस्टिंग, लॉ इंटरेस्टिंग, टैक्स इंटरेस्टिंग होता है, तो कॉम्बिनेशन में अच्छा मार्क्स आ जाता है। नीचे ग्रुप टू में क्या तीनों ऑलमोस्ट थ्योरी है, कॉस्टिंग थ्योरी में होता है 20 मार्क का थ्योरी मिलेगा आपको, एफएम एसएम में एसएम थ्योरी, एफएम में 10 मार्क की थ्योरी आती है, ऑडिट 100 मार्क्स का थ्योरी है, तो आपके 300 में से कम 150 180-200 मार्क तो खाली थ्योरी ही है, तो आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ग्रुप वन इतना स्ट्रॉन्ग करो, चलो दोनों ग्रुप तेरे कि आपको एग्री वहाँ पर सेट ऑफ का बेनिफिट में आपका एग्रीगेट का इशू सॉल्व हो जाए। तो पहला बेनिफिट है, एक तो 70 मार्क अगर आता है तो आपका एग्रीगेट इशू सॉल्व। दूसरा अगर 70 मार्क आता है तो प्लीज कॉल अप एकाग्रता एंड टेल देम कि 70 मार्क आया है आपको, सेंड योर रिजल्ट, सेंड योर आधार कार्ड, आई विल टेक यू टू ताज, इधर अ लंच और अ डिनर फ्रॉम माई साइड, अगर आपको 70 मार्क आता है तो इधर अ रैंक और 70, विच एवर इज अर्लियर। मैं लेके जा चुका हूँ अभी तक 8-9 बार जा चुका हूँ, 90% हम लोग बॉम्बे ताज लेके जाता हूँ मैं, जिनको भी आता है। अगर आप बॉम्बे आए कभी तो, अगर मैं इंदौर आया, अगर आप इंदौर से हो तो इंदौर में अगर कोई भी आई थिंक ताज यहाँ पर है नहीं, कभी कोई दूसरे शहर में अगर मैं हूँ, ठीक है, जैसा भी वी आर गोइंग इन जुलाई इन बैंगलोर ताज, क्योंकि वहाँ से बैंगलोर के कुछ बच्चों को ताज, अहमदाबाद ताज लेके जा चुका हूँ, 70 मार्क आएगा तो ताज जाएगा। ऐसा नहीं यू कांट अफोर्ड, ऑब्वियसली यू कैन अफोर्ड, बट थिंग इज इतनी भीड़ में 1 लाख बच्चा बैठेगा तुम्हारे साथ, 1 लाख बच्चा, उसमें से थियोरी पेपर में 70 मार्क लाना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड यू विल सी पीपल लाइक यू ऑल्सो। पिछले बार मैं लेके था 52 पीपल, 52 लोगों को मैं लेके गया था बॉम्बे ताज में, और करीबन 18 लोग गए थे अहमदाबाद ताज, बट द हैप्पीनेस विच आई सॉ कि लाइक इट्स अमेजिंग। इंटर वाले भी थे, फाइनल वाले भी थे, भले रैंक आया आपको या 70 मार्क आया हुआ है इधर इन लॉ और ऑडिट, वो मेरी गारंटी, मैं आपको लेके जाऊँगा, और आता है लोगों को तभी तो लेके जा रहा हूँ ना मैं, नहीं आता तो पॉसिबल ही नहीं है, पर 70 मार्क मेरे को चाहिए और आता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, जो टिप्स ट्रिक्स मैं आपको क्लास में करा के जाऊँगा, इतनी दूर से बुलाया लोग ने मेरे को, एक तो बराबर पूरा पैसा ऐसा निचोड़ लो, कितने पैसे भरे अपन, 4,500 रुपये, भाई सब पैसे वाले लोग तुम लोग, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, 60,000 रुपया। अच्छा अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो रिफंड मिलता है क्या, ये याद रखना, नहीं मिलता रिफंड, ना टाइम का ना पैसों का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू क्लियर, एंड आई होप हम में से कोई जो क्लास में देख रहा होगा अभी, कि आगे सामने जो बैठे, आई वांट समबडी टू गेट अ रैंक। नंदिनी अग्रवाल सुने हो, यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, 19 ईयर, शी वॉज माई स्टूडेंट एट इंटर ऑल्सो, फाइनल ऑल्सो, दोनों बहन भाई सचिन एंड नंदिनी। मैं आईपैड जब कनेक्ट करूँ आपको दिखा दूंगा उनको। AR 31 आया था जब वो 2018 में इंटर में थी, सचिन को आया था 86-82 सचिन को आया था लॉ में, फाइनल में दोनों ने मुझसे पढ़ा AR 1, ठीक है। नवंबर 18 सिद्धांत भंडारी AR 1, ठीक है। मई 18 समीक्षा अग्रवाल, शी वॉज AR 3, AR 1, 2, 3, 4 आ चुके, AR 1 2 बार आ चुका है। मैं कहीं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लॉ और ऑडिट, पर मेरे को पता कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मुझे पता कि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, मेरी मैक्सिमम है थोड़ी आपकी मेहनत, आपको 70 मार्क आ गया, 70 मार्क आ गया तो आपका एग्रीगेट सॉल्व तो आपको पक्का रैंक आएगा। हम अगर 600 मार्क का पेपर पकड़ते तो आपको जाना पड़ेगा क्लोज टू 500 मार्क्स, 480 अगर आपने क्रॉस किया ना, फॉर श्योर यूर रैंकर, 485 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप रैंकर बन सकते हो। सो आपके पास टाइम बहुत है, आपका टाइम एक्चुअल नवंबर था, ध्यान रखना, आपको भगवान ने 2 महीने दिए हैं एक्स्ट्रा, और ये पहली और आखिरी बार हुआ है, तो जो आपका एक्चुअल अटेम्प्ट आप उसी को मान के चलिए कि मेरा एग्जाम नवंबर में ही है, क्योंकि आप सोचो ना मेरा अटेम्प्ट तो जनवरी में है, तो क्योंकि जिंदगी में चिल, शादियों में जाएंगे, पार्टियां करेंगे, मजे करेंगे, कब अक्टूबर निकलेगा, कब नवंबर में, कब जाने का पता ही नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, सर दोनों ग्रुप नहीं हो रहा है, एक ग्रुप, सर एक ग्रुप नहीं हो रहा है, अगला अटेम्प्ट। ये बहुत नॉर्मल कहानी है हमारे लिए, अब तो सबको आपकी इच्छा, आपके पैसे, आपको भरना है भरो। अच्छा कहानियाँ खत्म नहीं हुई अभी भी बेटा, अभी तो ICAI के एग्जाम फॉर्म भी तो फीस भरोगे ना आप, वो भी तो पैसे भरने हैं आपको, खाली एकाग्रता को पैसे दो। अच्छा इससे पहले तो आपने फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन भी तो किया होगा, फाउंडेशन का, इंटर का, इंटर के रजिस्ट्रेशन कितने पैसे भरे, 18,000, तीनों लेवल के ना, खाली इंटर के, भाई साहब बहुत महंगा हो गया आजकल कोर्स। हमारे जमाने में 1500 रुपये थे, फाउंडेशन फीस बस 1500 रुपया, रजिस्ट्रेशन ICAI फॉर्म, ICAI रजिस्ट्रेशन फीस, इंटर के होंगे कुछ 3,000-4,000 रुपये। हाँ भीड़े के जमाने का है, अंडरस्टैंड। तो ये सब जो पैसे ना बेटा, ऑडिटर हो ना, सब सुनाई देता है जब दिखाई देता है, तो इसलिए रियलाइज कीजिए इस चीज को कि कितना इंपॉर्टेंट है, जितना ले क्लियर होना, ठीक है। सो हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी। निकालिए बुक को, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ना। नहीं, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी। चैप्टर नंबर 9 है। अरे ऐप वालों गाली गलौज मत करो, प्यार मोहब्बत से बात करो। रजिस्टर कितने पेज का बनाना है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे पैसे, जो तुमको करना है करो। 200 पेज के आसपास बनता है, बाद में तुम्हारी हैंडराइटिंग है। कोई है मैंने भी जो बुक नहीं लेकर आया आज, इट्स ओके, नहीं लेकर आया, नहीं मिली, वो एक्चुअली कंफ्यूज हो गए तेरा शक्ल देख के। दे देंगे लोग, मिलेगी सबको, मिलेगी बुक। अरे पैसे भर तो सबको मिलेगी। यस वंशिका दीदी, अरे अभी नोट्स नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं करना है भाई, अभी सुनो खाली बात। हाय गाइस, हाय पायल, हाय अदिति, कोई नहीं बोला है। चलो शुरू करें नाउ। टू ऐड पेज, टीवी चालू है ना, देखो ना प्लीज। Understand. Audit of different entities, close to weightage of the chapter would be 12 to 16 marks. तो ये पहला बड़ा चैप्टर आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। कुछ लिखना नहीं है अभी, खाली सुनना है अभी। देखो सो पहला बड़ा चैप्टर है, 12 से 16 मार्क, बहुत लंबा चैप्टर है, मॉड्यूल में है 140 पेज ओनली। ठीक है, तो पैटर्न विल बी, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर अपन बुक से पढ़ेंगे, फिर नोट्स लिखेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा मॉड्यूल के पीछे का जो कंटेंट है और बीच के जो इलस्ट्रेशन वो अपन क्लास में करेंगे। तुमको कुछ नहीं करना, बिकॉज मुझे तुम पे विश्वास है ही नहीं। ठीक है, तो घर पे जाने का, अगर आप हॉस्टल में तो हॉस्टल में जाने का आप कुछ पढ़ोगे तो नहीं, थक गए बेचारे, बेस के लग गए होंगे तुम्हारे लॉ। ठीक है, तो हम यहीं करेंगे सारी चीजें। अंकित, बिहेव योरसेल्फ इन द क्लास। ठीक है, नाउ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। इंडिया में मुझे बताओ, आप लोग ने थोड़ा सा लॉ पढ़ रखा है, तो तुम्हारे हिसाब से इंडिया में कौन कौन सी एंटिटी के थ्रू हम लोग धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बताइए। 1 सेकेंड, समबडी सेड, 1 सेकेंड, प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, LLP, उसके बाद HUF हो सकता है, फिर और अच्छा HUF लिख दिया, कंपनी, उसके बाद एक हो सकता है ट्रस्ट, और सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी सुना ऐसा कुछ, कॉर्पोरेट सोसाइटी। देन वी हैव समवन सेड जॉइंट वेंचर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एकाग्रता की बात कर रहे हो आप, राइट। और क्या, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये सारे आपके एंटिटीज है जिनकी आप ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात किया है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी, ध्यान रखना इंडिया में खाली एक ही एंटिटी की ऑडिट मैंडेटरी होती है, कंपनी। सो कंपनी की ऑडिट मैंडेटरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। कौन सी ऑडिट कहते हैं उसको? स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो खाली एक ही एंटिटी की ऑडिट मैंडेटरी है, उसको हम प्यार से कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। कौन सी एंटिटी की ऑडिट मैंडेटरी? ओनली अ कंपनी। बच्चों इंडिया में कितने प्रकार की कंपनी होती है? इंडिया में कितने प्रकार की कंपनी होती है? आप कह रहे हो चार, वेरी गुड। कौन सी? इंडिया में खाली दो ही प्रकार की कंपनी होती है, पब्लिक और प्राइवेट। डेमोक्रेटिक कंट्री दीदी, मेरा उंगली है ना भैया, कुछ भी कर सकते हैं अपन यहाँ। शब्द पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इंडिया में कई दो ही प्रकार की कंपनी है, कौन कौन सी? पब्लिक एंड प्राइवेट। ओपीसी प्राइवेट का पार्ट होता है, राइट। सो हम जब बात करते हैं ऑडिट की, आप भले पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, एनपीए हो, निधि हो, गवर्नमेंट हो, डॉर्मेंट हो, फॉरेन हो, इंडियन हो, कोई भी प्रकार की कंपनी हो, प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो, ब्रेक इवन पे हो, अगर आप एक कंपनी हो, आपको ऑडिट मैंडेटरी। कौन करेगा वो ऑडिट? ऑडिटर। कौन करेगा वो ऑडिट? तो उस आदमी को हम प्यार से बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। भाई साहब वो कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय द आईसीएआई। देखो जितनी बार दिन में एक बार तो याद कर लेना चाहिए भाई, रिजल्ट है तुम्हारा, बार बार एक बार तो याद कर लेना चाहिए, भगवान है अपने लिए, ठीक है। द आईसीएआई। तो इस चैप्टर में हम कंपनी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे, चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, मतलब इट इज अदर देन कंपनी। हम क्या बात करेंगे यहाँ पर? अदर देन कंपनी। कंपनी के ऑडिट की जो बात है हम लोग वो बाद में कोई चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बात करें ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। नाउ अच्छा, पीपल वो वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड ऐप, प्लीज आप ईयरफोन पहन लीजिएगा। नंबर 2, यहाँ पर बहुत लोगों का मजाक उड़ेगा, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम नॉट सॉरी, ठीक है। नहीं सर क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा आई एम नॉट सॉरी। गोविंद आपका कमिंग आउट डे कब है? आपकी जयंती। अरे आप धरती में कब प्रकट हुए? 6 मार्च। जिंदगी बच हर साल 6 मार्च को पैदा हुआ, बर्थ डेट कोई पूछा तो क्या होता है? तो ओके, आपके कोई भाई बहन है? भाई बहन बड़ा छोटा? एक भाई एक बहन, बड़े छोटे हैं? दोनों छोटे आपसे। वो नॉर्मल है कि वो आपके जैसे हैं? आप कौन से शहर से हो? बिहार। अरे बिहार से, देखो बिहार और यूपी वालों के मेरा प्यार एकदम अलग है, ठीक है। मतलब आई लव देम, मतलब नहीं जो चैट में भी है ना, मतलब नहीं जो जीवन वाले थे ना, मतलब बिहार, उनसे पूछा यूपी बिहार वाले लोग भाई जो सिंपल और जो एकदम देसी लोग होते हैं, ठीक है। मतलब 2 बॉयज होल्डिंग द हैंड एंड वॉकिंग, ठीक है। ये भाई आज तक लॉजिक समझ में ही नहीं आया उनका कि क्यों ऐसा, और पता है ये वाली उंगली पकड़ के चलते हैं, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट होते हैं, जो मुंहफट होते हैं, जो प्यार से बात करते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं, अलग ही लेवल है, ठीक है। और जो गाने होते हैं भाई साहब, 4 शब्दों में 2 गालियां होती है तो आपको मिलेगा आगे थोड़ा सा। तो बिहार से आप हो, भाऊ का नाम क्या है? मेरे होने वाली भाऊ तेरे, मैं कुछ भी लिख दूंगा फिर देख ले। फिर आप हैं एक्स, चाइना से आई है क्या एक्स? एक सेकेंड, तुझे कैसे पता उसको लड़के पसंद है? द नेशन वॉन्ट्स टू नो, पूरा इंडिया देख रहा है, तुझे कैसे पता? आप भी शिकार हो इसके भाऊ का नाम बता रहा जल्दी से। दामिनी कांताबेन हमारे घर की मेड है, ठीक है। Now listen. So Govind was born. आप बिहार में पैदा हुए थे गोविंद? Okay. 6 मार्च, right? 6 मार्च 2003 का वो दिन था। पापा बहुत खुश हुए, बहुत मतलब बहुत। हॉस्पिटल पहुंचे, पापा ने पूछा क्या हुआ है? नर्स बोली कुछ तो हुआ है। पापा बोले आप ही बता दीजिए। टक, लड़का हुआ है। That's the only way to check, ठीक है। अब बहुत ही मेहनत परिश्रम के बाद गोविंद हुआ, ठीक है। फिर गोविंद स्कूल जाने लगा, ठीक है। स्कूल गया था ना भाई तू? हाँ सर, मुझे क्या पता गया था तो यार, ठीक है। तो ये गया स्कूल। अब जनरली क्या होता है, जैसे वहाँ पर 11th 12th स्कूल तक कॉलेज होता है, स्कूल 11th 12th तक। तूने क्या किया भाई? स्कूल, अपना बताओ, ठीक है। तो भाई स्कूल गए। जनरली बॉयज का क्या होता है देखो, टीचर क्लास में होती है, बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है। मस्ती कर रहे होते हैं, मस्ती करना तो मस्ती तो बहुत ज़्यादा करता ही है, वस्त्र खोल के बैठना, ठीक है। तो भाई साहब स्कूल गए। अब 12वीं के बाद कॉलेज शुरू होता है, तो इसने कॉलेज ज्वाइन किया। अब कॉलेज एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर हमें बच्चे मिलते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के पढ़ने आते हैं। नहीं तो स्कूल में तो क्या होता है, 2 यूनिफॉर्म्स, वही चलता था सबका, बराबर। तो भाई साहब कॉलेज गया। अगर मैं आपको बताऊँ बॉम्बे दिल्ली के कॉलेज जैसा होता है, तो बॉयज़ आपको तो पता होगा वहाँ पर हरियाली होती है, ठीक है। तो भाई साहब कॉलेज में गए, देखा वहाँ पर। अब ये भाई साहब अपना एकदम फुल लल्लन टॉप आदमी, उसने वहाँ पर एक कन्या देखी। वो कन्या का नाम है कांताबेन। कांताबेन हैज़ कम फ्रॉम माई विलेज लंदन। या आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन, या ओके ना। लिसन, तो कांताबेन को देखा। अब बॉयज आपने देखा होगा कि जने जब कोई लड़की आपको पसंद आती है तो डायरेक्टली यू डोंट गो एंड अप्रोच टू दैट गर्ल, बराबर। पहले उसकी दोस्त से दोस्ती करते। तो इसने भी क्या किया, कांताबेन की दोस्त से दोस्ती की। धीरे धीरे करते करते वो उनके ग्रुप में एंटर हो गया। धीरे धीरे करते करते बातचीत शुरू कर दी, ठीक है। कांताबेन से बातचीत शुरू कर दी। जब बातचीत शुरू होती है, बात करते करते सर चैटें होने लग गई, ठीक है। अब दोस्ती प्यार में बदल गई। बच्चा बच्चा जानता है प्यार दोस्ती है। कांताबेन ने इसको क्या देखा, इसके अंदर पता नहीं क्या देखा, इसको हाँ बोल दिया। एक दिन कांता इसके दोस्त आके बोलते भाई चल अगर मूवी देखने चलते, अच्छी मूवी लगी। ये बोलते पैसे नहीं है, पॉकेट मनी खत्म हो गई है। कांताबेन बोलती है बाबू चल मूवी देखने चलते हैं। तो बोले ठीक है मूवी देखने चलते। तो ये गए मूवी देखने के लिए। So they went to theater. Corner seat book हुई. Stop imagining. ठीक है। बीच बीच में पॉपकॉर्न, बाबू पॉपकॉर्न, हाँ पॉपकॉर्न खा रहे मस्त, ठीक है। मूवी खत्म हो गई। अंकल जी बाजू वाले बोले बेटा मूवी खत्म हो गई, घर जाओ। कुछ कर रहे थे लोग एक्चुअली। Now मूवी खत्म हो गया। अब जैसे ही वो बाहर निकले तो कांता बोलती है भूख लग रही है। तो ये बोला चल मोटी आजा ठूस ले। तो they went to a restaurant. Now they went to a restaurant. खाया खाया खाया, डाइजेशन भी तो चाहिए ना, भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये फिर चले गए साथ में, नहीं रे सोच ही छोटा है। They went to a club डांस करने के लिए। ये अपना फुल बिहारी बाबू कपड़ा निकाल के नाच सकता है वैसा। कांताबेन फुल मॉडर्न लंदन से एकदम ऐसा शकीरा से डांस कर रही है। आप बैकग्राउंड डांसर थे ना वहां पर। नाउ फुल डांस की एकदम मस्त। अब क्या हो गया, लेट हो गया वहां पर। अब शी बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन बोली एक रूम ले लो रेंट पे। मन में पहला लड्डू फूटा। ये पहुंचे होटल। अब होटल पे रिसेप्शन पे मैं पढ़ान, तो क्या मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मेरा मेन बिजनेस तो वही है, ठीक है। ये जब होटल पे पहुंचे बोले सर हमें 2 रूम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि सर देखो क्या नवरात्रि का सीजन है, ठीक है, लोग डांडिया खेलने आते हैं यहाँ पर, अभी हमारे पास सारे एक ही रूम है, मन में दूसरा लड्डू फूटा। अब ये लोग होटल पहुंचे, मैंने इनको चाबी दे दी। अब उस दिन क्या हो गया, बहुत ही सुहावना मौसम, बाहर बिजली कड़कड़ा रही थी, बारिश हो रही थी, ठीक है। एक हसीन सी लड़की, एक गोबर सा लड़का हमारा, ठीक है। कमरा एक, तकिया एक, चादर एक, बिस्तर एक, दोनों के बीच कुछ हुआ तो हुआ। छोटा गोविंद हुआ, ना उसको लेके लोग पहुंचे अस्पताल। ना बॉयज आप चाचा बन गए, गर्ल्स आप बुआ बन गए, खुशियां है भाई। देख तेरी मेहनत पे कितनी खुश हो रहे लोग, मेहनत ये करे, खुशियां देखो। नाउ अब जब हॉस्पिटल पहुंचे, अब इसको रियलाइज हुआ अभी तक तो मेरा यहाँ पर इंटर का ग्रुप 2 नहीं निकला, ये कैसे निकल गया। उसको लेके जाके वो छोड़ दिए एनजीओ में। तो जो कहानी शुरू हुई थी स्कूल से, वो जाके खत्म होती है एनजीओ पर। कहानी समझ में आई? अब कोई वहां बैठ के अपना बम खुजा रहा है, बोले सर कहानी तो समझ में आई गवा, अब करना क्या है इसका। हमको करना है ऑडिट, हमको करना है ऑडिट, हर एरिया का अपने को करना है ऑडिट। सबसे ज्यादा मजा आएगा, कोई भी अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएगा, ठीक है। जो भी बुक में लिखा है वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 8 आइटम्स है, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, रेस्टोरेंट, क्लब, होटल, हॉस्पिटल, एनजीओ। इन 8 आइटम में से कोई भी एक आइटम आपको एग्जाम में आ सकती है ऑडिट करने के लिए। 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का आंसर। तो गाइस 8 आइटम है, तो 8 आइटम में हमको 8 अलग अलग आंसर करने चाहिए कि 1 कॉमन आंसर, बताओ। 8 चीजें, अच्छा 8 आएगी कि एग्जाम में कोई भी एक आएगा? कोई भी एक आएगा। तो पढ़ना तो 8 पड़ेगा ना अपने को, तो 8 पढ़े कि कोई भी एक पढ़ना, तो 8 पड़ेगा। तो 8 के 8 अलग अलग आंसर पड़े कि एक कॉमन आंसर? एक कॉमन आंसर, ज्यादा मेहनत तो अपने से होती नहीं, बराबर। तो एक कॉमन आंसर, जिसको 8 पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, बुक में लिखा है 8 हो, पर मैं आपको एक कॉमन आंसर पढ़ाऊंगा। और वो कैसे बनेगा, कैसे यूज करना है, वो हम तो देखेंगे, पहले हम ढांचा सीख रहे हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताना, ये जो स्कूल और कॉलेज है, हमने डिस्कस किया था अभी कि सारी एंटिटीज है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, LLP, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, जॉइंट वेंचर, NPO। ये जो स्कूल कॉलेज है, इनको कौन रन करता है? ट्रस्ट। तो प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट? देखो होते तो दोनों हैं, प्राइवेट भी होते हैं स्कूल कॉलेज, पर हम हमारे सिलेबस में समझ के चलेंगे कि वो नॉन प्रॉफिट है, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज को कौन रन कर रहा है? एक ट्रस्ट, ठीक है, जो हम बोलेंगे नॉन प्रॉफिट है बेसिकली। अच्छा, थिएटर को कौन रन कर रहा है? It could be proprietor also, or partnership also, or LLP also, company also, कोई भी रन कर सकता है। रेस्टोरेंट को कौन रन कर सकता है? कोई भी। तो इनको कौन रन कर सकता है? कोई भी। नीचे क्लब। अब क्लब 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो ऐसा वाला क्लब और एक जिम वाला क्लब। अब एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने दोनों को अज्यूम कर रखा है, तो हम क्या करें बताओ? क्लब को कौन रन करेगा, कोई भी या ट्रस्ट? आप लेके जाओगे इसको कोई भी, कोई भी। होटल को कौन रन करेगा? प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, तो होटल भी कौन रन कर सकता है? कोई भी। अस्पताल, एनजीओ, प्राइवेट भी होता है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, ठीक है, धीरूभाई इंटरनेशनल, धीरूभाई हॉस्पिटल है, धीरूभाई, ठीक है, कोकिला बिन हॉस्पिटल है, तो वो सब प्राइवेट हो गए। पर सिलेबस में हम क्या मान के चलेंगे उसको? ट्रस्ट। एनजीओ वैसे भी ट्रस्ट होता है, तो ये कौन करता है? ट्रस्ट। सी, बिकॉज मैंने क्यों लिखवाया आपको ये, सी अपने पास 4 चीजें, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, एनजीओ, ये चारों चीज को कौन रन कर रहा है? ट्रस्ट। बिकॉज इसमें आंसर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बाकी है 90% सेम, खाली पहले 2-3 पॉइंट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। आपका बैकग्राउंड समझ में आ गया ना? अब इसका जो कॉमन आंसर है, उसका कोड है गालिस, देने का नहीं है, कोड है खाली गालिस। जी से होएगा आपका वो जनरल, ए से असेट्स, एल वुड बी liabilities, I would be income and expenses। ऐसा आप ले सकते हो कुछ भी स्पेशल पॉइंट्स जो आपको एक्स्ट्रा लिखना है। बोलो जी से क्या होता है? जनरल, ए, एल, आई इनकम एंड एक्सपेंसेस, एस स्पेशल पॉइंट्स। वंस मोर, जी जनरल, ए assets, एल आई इनकम एक्सपेंसेस, एस स्पेशल पॉइंट्स। वंस मोर, जी ए एल आई एंड एस स्पेशल पॉइंट। तो द कोड इज गालिस। ठीक है, अब एग्जाम में आपको गालिस नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है जनरल, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब अभी अगर आप पैटर्न देखोगे, लास्ट 4 अटेम्प्ट्स हैं जो मई 24 का पेपर हुआ, इंस्टीट्यूट ने पूरा आंसर नहीं पूछा। अगर मैं पूरा आंसर बोलूं, जनरल में आपको मिलेंगे 3 पॉइंट, असेट में 5, लायबिलिटी में 4, इनकम एक्सपेंस में 5, स्पेशल में 3, क्लोज टू आई थिंक 13-14 पॉइंट्स बनता है। पर 13-14 पॉइंट एग्जाम में पूछा ही नहीं इंस्टीट्यूट ने। अभी इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, खाली पूछ रहा है असेट बता दो हॉस्पिटल का, या लायबिलिटी बता दो स्कूल का, इनकम एंड एक्सपेंस बता दो हॉस्पिटल का, ट्रस्ट का आपको एक्सपेंस बता दीजिए, उसकी ऑडिट कैसे करके वो पूछता है। तो जो पैटर्न हो गया थोड़ा सा चेंज हो गया, पर अपन तो क्या करेंगे, अपन पूरा पढ़ के जाएंगे। अभी सनक गया, अगर आईसी आएगा तो कुछ भी पूछ सकता है, तो यू विल स्टडी द फुल आंसर। पर ध्यान रखना, पेपर में पूरा नहीं पूछ रहा है वो, पेपर में वो क्या कर रहा है, वो पीसेस पूछ रहा है, असेट पूछेगा या इनकम पूछेगा, एक्सपेंस पूछेगा। ठीक है, अब अपना कोड हो जाएगा गालिस। एक और बार करते हैं, जी से ए एल आई इनकम एंड एक्सपेंस, एस से स्पेशल, कोड इज गालिस। ओके, नाउ अब मैं पहले एक पॉइंट उठाता हूं जनरल, तो जी से था मेरा क्या, जनरल। अब जनरल में पहला पॉइंट, कोई लिखो मत, पहले सुन लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं आपको। सो जनरल पूछता है, चेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंटिटी। अब ये जो पॉइंट है कॉमन है सब में, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, कुछ भी आए एग्जाम में, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है मेरा, वो चेक दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी एंटिटी। इसी मैंने एंटिटी वर्ड लिखा है। अब एंटिटी क्यों लिखा, कोई प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कंपनी, ट्रस्ट, मैंने कंपनी वर्ड नहीं लिखा है, कुछ भी आ सकता है, तो अपन कॉमन आंसर बना रहे हैं अभी तो। सो पहला क्या हो गया, चेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी है तो एमओए वो चेक करोगे, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ तो पार्टनरशिप डीड चेक करोगे, ट्रस्ट हुआ तो ट्रस्ट डीड चेक करें, बस वही लिखना है, चेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंटिटी। दैट इज कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या चेक करेंगे हम लोग, पार्टनरशिप डीड। अगर ट्रस्ट है तो आप चेक करोगे ट्रस्ट डीड। अगर कंपनी है तो हम इसको कहते हैं महुआ एंड अहुआ। महुआ मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अहुआ मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो ये तीनों कॉमन नहीं होगा। अगर एग्जाम में अपने से पूछा स्कूल, तो आप क्या बोलोगे, चेक दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी स्कूल, दैट इज इफ इट इज रन बाय अ पार्टनरशिप का ट्रस्ट, चेक द क्या, ट्रस्ट डीड, चेक द ट्रस्ट डीड, ये लिखने का है। अब अगर एग्जाम में अपने को आता है थिएटर के लिए, तो क्या बोलोगे, चेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द थिएटर, दैट इज इफ इट इज रन बाय पार्टनरशिप फर्म, चेक दी, और इफ इट इज रन बाय कंपनी, चेक दी महुआ एंड अहुआ। अच्छा, डोंट राइट महुआ अहुआ इन द एग्जाम, टीचर शो यू कहुआ देयर। ठीक है, पूरा लिखने का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये पूरा लिख कराने का। तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। सी, आई एम नॉट टीचिंग विद द एग्जैक्ट आंसर, आई एम टीचिंग विद द ढांचा, द स्ट्रक्चर। आपको आंसर वहां जाकर के चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, एनजीओ, हॉस्पिटल, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। नंबर 2 पॉइंट होता है आपका, evaluate the internal control system. क्या बोलोगे आप? Evaluate the internal control system. इसको हम प्यार से बोलते हैं that is ICS, internal control system. Any idea, anybody? क्या होता है ICS? Wrong तो wrong चलेगा, हम लोग पढ़ने आए हैं. Management नहीं, गलत. कोई और? खाली अकाउंटिंग नहीं, मैनेजमेंट नहीं, कुछ और. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर. एग्जांपल दे पाओगे आप? टैली सैप हो गया. और बेटा ऑडिट तो हम करने गए हैं ना, तो हम करने गए ना वो तो. कोई और? एनीबॉडी, एनी आइडिया? अच्छा, फॉर एग्जांपल गोविंद बोलता है कि मेरे को है ना आज घर पे पिक्चर देखने का है. भाई साहब ने क्या किया, टीवी उखाड़ा, घड़ी किया, बैग में डाला, चला गया. एकाग्रता को वालों को पता चलेगा कि टीवी गोविंद लेके गए. कैसे पता चलेगा? कहाँ लगा है? लगा हुआ है क्या? ओ, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है. सीसीटीवी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. बैंक गए हो कभी? बैंक, क्या बैंक में चोरी करना पॉसिबल है? हाँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, ठीक है? नहीं पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? पहले एंट्री मारते वो गार्ड होता है, वो आपको चेक करता था वो मशीन से, ठीक है? हर जगह पर सीसीटीवी लगा हुआ होता है. अच्छा, कभी आप अगर लॉकर रूम गए हो पेरेंट्स के साथ? नहीं गए तो जाना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम वहाँ होता है. अगर आप लॉकर सिस्टम देखोगे ना, कैसा होता है, आपको एक रजिस्टर होता है, वहाँ पर आपको उसकी एंट्री करनी होती है. आपने वहाँ पर उसकी एंट्री की. जैसे आपने एंट्री की, आपकी मम्मी के पास एक चाबी होगी लॉकर की, और एक बैंक के ऑफिसर या बैंक के मैनेजर के पास होती है. फिर उसका गेट खुलता है, मेन गेट जो होता है, वो खुलने के लिए आपके लॉकर में आप अपनी चाबी लगाते हो और बैंक वाला अपनी चाबी लगाता है. जब वो दोनों चाबी घूमती है तो ही बैंक का लॉकर खुलता है. तो बैंक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, को बैंक में ही मिलेगा. तो दिस इज बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. आपने मूवीज में, थिएटर में, मूवीज में देखा होगा ना कि जब बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, कार्ड देते, कार्ड, वो कार्ड से ही गेट खुलता है एंट्री करने के लिए. या तो उसको टैप करोगे या तो आप उसको स्वाइप करोगे ऐसा. या फिर आपने मूवीज में देखोगे आप आई इम्प्रेशन, थम इम्प्रेशन. अगर आपने वो मूवी देखी है रोबोट, नहीं रोबोट नहीं, शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस देखे ना वो एबी राम वाले. सो वो सब मूवीज में क्या हुआ, सब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है. जो भी चोरी वोरी की मूवी है, धूम 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 धूम, तो जितनी भी वो मूवीज है सब में क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दिखा है. तो सिस्टम यहाँ पर चोरी चपाटी रोकने का जो सिस्टम होता है वो होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अपने घर पे कौन होता है आईसीएस? मम्मी, बराबर मम्मी. तुमने सामान यहाँ से वहाँ किया और तुमने बोला तुमने नहीं किया है, ठीक है, तुमको मिलेगा फ्लाइंग चप्पल. और मम्मी का एम परफेक्ट होता है, लगता बराबर है. तो ये होता है आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो ये कॉमन पॉइंट है, हर जगह चेक करना आपको, इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. थर्ड, obtain certificates from management. Obtain certificate from management. क्या बोलोगे आप इसको? Obtain certificate from management. अब ये कौन से सर्टिफिकेट होते हैं मेरे को बताओ? जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम लोग ऑडिट करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ड्यूटी किसकी होती है? कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब माय क्वेश्चन इज, ऑडिटर बनाता है कि कंपनी बनाती है? कंपनी. ध्यान रखना, हमारा एक ही काम होता है, चेक तो बेटा आर्टिकल करेगा ना. हमारा एक ही काम होता है, क्या करने का? ओपिनियन देने का. क्या देने का? ओपिनियन देने का. हमेशा ध्यान रखना, सारे भंगार काम, सारे फालतू काम कौन करेगा? मैनेजमेंट. कौन करेगा वो? आर्टिकल अपना ही बच्चा होता है, ठीक है? अपना एक ही काम होता है, क्या करने का? ओपिनियन देने का. अब मैनेजमेंट ने बोला कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, सुन के लेने का अपने को? नहीं, कभी नहीं. बॉयस, वो कितना भी बोले आई लव यू, कभी भी सुन के नहीं लेने का. बोलने का लिख के दे, सॉरी दे नहीं, लिख के दो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, लिख के दो. वो क्योंकि वो शायद सबको बोलते हो कि आई लव यू, है ना, उसका कटा है इसलिए ऐसा हाँ बोल रहा है. किसका कटा भैया? तो देखने की चीज है, तो तभी तो लोग देखो देख रहे हैं. व्हाट इज योर नेम? मोहित, MOHIT. मोहित, आप कहाँ से हो? आप इंदौर से हो. Now listen. So हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं कि मैंने एफएस बना दिया, हम क्या बोलते हैं आप उनको लिख के दीजिए, और जब लिख के देगा ना उसको बोलते हैं हम लोग सर्टिफिकेट। मैनेजमेंट बोलते हैं हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, सुन के लेने का अपने को क्या बोलेंगे, लिख के दो। उस लिख के देने वाले पेपर को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट। सो मेरे पहले जनरल में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, चेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी एंटिटी। पहला क्या है, चेक दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी एंटिटी। नंबर 2, इवेल्युएट दी internal control system, evaluate the internal control system. Third, obtain certificate from the management, obtain certificate from the management. Once more, number 1, check the constitution of the entity. Number 2, evaluate the internal control system. Third, obtain certificate from the management. अब एग्जाम में स्कूल पूछे, ICAI, कॉलेज पूछे, थिएटर पूछे, अपना तो आंसर कॉमन है। ये खाली आपको और मेरे को पता कि अपना आंसर कॉमन है, वो एडो को नहीं पता। उड़ा मतलब ये ऐसे माई बाप होता है, पेपर चेक का ऐसे तो माई बाप होता है, उसको कैसे येड़ा बोलोगे तुम भाई, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अपने कॉमन है, कुछ भी पूछे ये 3 लिखने का है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा कोड जी से क्या था, वो बोलते हैं जी से गाली था, जी से जनरल, ए से एल से लाइबिलिटी, आई से इनकम एंड एक्सपेंसेस, एस से स्पेशल पॉइंट्स। अब देखो, अब हम लोग है ना पहले एसेट लायबिलिटी बाद में करते हैं, पहले हम लोग कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंस के लिए जो कोड बनता है, द कोड इज वाउच। अच्छा, अपने बीच किसी का बर्थडे आएगा अभी जून में, एनीबॉडी? कब है सर आपका, एक सेकेंड, कब है आपका? 26 जून, 1330 30। ओ ब्रदर सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। और यस सर आपका 13, तो ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, 13 13, दैट्स इट, 4 पीपल ओनली। ठीक है, तो 13 26 30 13 26 30। ओके, लंच का जुगाड़ हो गया आपने। ठीक है, हाँ लंगर लगेगा नीचे, पत्तल पे खाना मिलेगा तेरे को। ठीक, तो भंडारा लगेगा 13 को, 26 को, 30 तारीख को। आप सब स्वागत है, आप सबका सह परिवार के साथ आना, टिफिन लेके आना। ठीक है, 13 26 30, एंड आई एम वेरी सीरियस, आपको पार्टी देनी पड़ेगी। ना एक सेकंड, नाम चुप बैठना भाई, तो उसको बोलने दे। आत्मा, स्त्री है, आती जाती रहती है। यानी ऑनलाइन में एक बच्ची है, वो उसकी आत्मा भटकती रहती है। प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर लोग देख, अभी क्या होगा, ऐसा होता रहता है। इधर 5-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा तो जनरेटर भी खरीद लेते हैं। अभी एक लाइट नहीं है, दिस ऑन इन्वर्टर, तो पढ़ेंगे कैसे अपन? अरे टीवी, टीवी का रिमोट भाई, ऑनलाइन बहुत भीड़ है। भाई कूदना नहीं है, मैं समझा दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, कूदना नहीं है। अरे वो क्यों जा रही है अभी? दीदी आप ही मत कूदो। दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं, नहीं, दीदी नहीं। डॉन हो आप। एक सेकेंड। लाइट आ गई अभी। ऐसा रोज होएगा? ऐप वाले प्लीज चेक, इज इट वर्किंग? चेक कीजिए सब बराबर चल रहा है। ओके, वेलकम बैक। ओके, सो हमारा मेन जो कोड था बच्चों वो क्या था? नहीं, मेन कोड है गालीस, ठीक है। जी से क्या था? ALI इनकम एंड एक्सपेंस, एंड एस से स्पेशल पॉइंट, ठीक है। अब हमने जनरल का बात कर लेता, ठीक है, एसेट लायबिलिटी पेंडिंग। हम शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। सो आई हैव नॉट टॉट यू हाउ टू यूज द आंसर। पहले मैं आपको पहले स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, फिर कैसे यूज करना हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आते हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस से। नाउ पहला वी से वो बोलता है आपको करना है चेक दी वाउचर्स लाइक डॉट 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 डॉट, also check date, serial number, sign, amount. The auditor should check the vouchers like dot 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 dot, also check the date, serial number, sign, amount. अब अक्का लगाओ। जैसे वाउचर का मतलब होता है कोई भी कागज, कोई भी पेपर, ठीक है। अब आप कॉलेज की ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। वहां पर आपको पेनल में हमने बात की थी, हम ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट एंड सो की। आप मावा खा रहे हो, बाजू वाले आपके, हाँ भाई तू ही मावा तो बोल क्यों नहीं रहा भाई? तो थैंक यू, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। नाउ सो पांच चीजें मिला के हमारे क्या बन जाती है FS। तो जब हम लोग वहां पहुंचे कॉलेज को ऑडिट करने के लिए, हमने वहां पर P&L में देखा रेंट एक्सपेंसेस। अब अगर रेंट एक्सपेंस है, मेरा पहला पॉइंट आता है रेंट एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है। जब ये एक्सपेंस हो गया तो मेरे को उसके लिए कोई कागज देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट क्या बोलता है? वाउचर। द ऑडिटर शुड चेक दी वाउचर्स लाइक डॉट डॉट डॉट। अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ, वाउचर लाइक डॉट डॉट डॉट, क्या वाउचर होगा? सेल्स इनवॉइस, अबे रेंट एक्सपेंस है। एक सेकेंड, आप कह रहे हो रेंट रिसीट, आप कुछ कह रहे हो दीदी पेमेंट स्लिप, कौन सी पेमेंट स्लिप? हाँ तो रेंट रिसीट या रेंट पेमेंट स्लिप बोल सकते हो, दैट्स वन। ये रेंट है, रेंट रेंट एक्सपेंस है, रेंट रेंट भाड़ा, भाड़ा भाड़ा में सैलरी कैसे होएगा? थोड़ा सा बम कुछ अधिक दिमाग चलेगा। रेंट एग्रीमेंट, वेरी गुड। क्या चेक करोगे आप? रेंट एग्रीमेंट। अच्छा आपने पेमेंट की होगी, पेमेंट की होगी तो पेमेंट कैसे करते हैं अपन? चैनल बैंक से, तो बैंक का कागज क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट। समझा आपको? तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा द ऑडिटर शुड चेक दी वाउचर लाइक रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट हो गया आपका, बैंक स्टेटमेंट एटसेट्रा। कम से कम दो आइटम लिखना, फिर एटसेट्रा लिखना, एक के बाद एटसेट्रा मत लिखना। से अपने को दो तीन एटसेट्रा में क्या होता है वो ढूंढ लेगा ना बैठ के, वो कौन चेकर। अपने को एटलीस्ट दो आइटम तो लिख कर आनी है, ठीक है। अच्छा अभी एक और चीज करते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी हम लोग क्या किए, फॉर एग्जाम्पल कुछ चेक करते हैं, हमें है ना पेनल में दिखा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव मुझे दिखेगा क्रेडिट साइड कि डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। अक्का लगाइए, परचेज में मिलता है कि सेल्स में मिलता है? परचेज पे। तो अभी मेरे को, मैंने पीएनएल चेक किया किसी का, मे बी स्कूल का, कॉलेज का, थिएटर का, मुझे दिख रहा है डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव के लिए कागज क्या चेक करेंगे? इनवॉइस, परचेज इनवॉइस और पेमेंट। पेमेंट के लिए क्या चेक करोगे आप? बैंक स्टेटमेंट, वेरी गुड। सब क्या बोलोगे? द ऑडिटर शुड चेक दी वाउचर लाइक परचेज इनवॉइस। अब इनवॉइस के अलग अलग समानार्थी शब्द है, समानार्थी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। क्या होते हैं वो? बिल, एक सेकेंड, खाली तीन बच्चे ही थे जो अदर देन इंग्लिश मीडियम से आए थे, इंग्लिश मीडियम वाला तुमको तो आना चाहिए। इनवॉइस, अरे हो गया इनवॉइस, उसके आगे रिसीट्स, इनवॉइस, बिल, कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट, ये सब सिनोनिम्स है, ठीक है। तुम कोई भी एक दो शब्द ठोक कर आ जाओ वहां पर। द ऑडिटर शुड चेक द परचेज इनवॉइस, कॉमा, बैंक स्टेटमेंट, एटसेट्रा, खत्म। अच्छा अभी अगर तुमको दिखता है पीएनएल में इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्या चेक करोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट एटसेट्रा। ज्यादा बूती मत लगाना, कैसे हम लोग मीटर भी जाके देखेंगे, ठीक है। अडानी है कि टॉरेंट है कि क्या है, कौन है, रिलायंस है, सब चेक। अपने अपन बिजली वाले नहीं है, अपन ऑडिटर है। कौन है अपन? और ध्यान रखना ऑडिटर हमेशा होता है राजा। क्या होता है वो? राजा, ठीक है। सो द ऑडिटर शुड चेक दी वाउचर्स लाइक डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो तुमको कहीं दिख रहा है बट टैक्स पेड, टैक्स पेड। अब इसके लिए वाउचर क्या होगा? टैक्स पेड है बेटा, टैक्स पेड के लिए आइटर तो ठीक है, आइटर एक डॉक्यूमेंट हो गया, और बैंक स्टेटमेंट और चालान, वेरी गुड। पेपर चेक कर चालान ढूंढता है तो वहां पर बिल नहीं होता, वहां पर इनवॉइस नहीं होता, वहां पर रिसीट नहीं होती, क्या बोलते उसका बन? चालान। तो जब भी अगर क्वेश्चन में देखा जीएसटी पेड, इनकम टैक्स पेड, एडवांस टैक्स, टीडीएस, तो हमेशा ध्यान रखना क्या लिखना है आपको? चालान। इंपॉर्टेंट वर्ड है चालान। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे मैंडेटरी, ठीक है। समझा पहला पॉइंट कैसे बनेगा? मैंने डॉट 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 लिखा है, फ्रेम तुम्हें करना पड़ेगा, मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओ चेक इट हैज अकर्ड over the current period of time। क्या बोलोगे? चेक इट हैज अकर्ड ओवर दी करंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम जो भी चीजें चेक करेंगे वो सारे इसी साल की होनी चाहिए। अच्छा हम लोग इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं क्या अकाउंटिंग ईयर? दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है। क्या होता है वो? अप्रैल टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग वो चेक करेंगे। सी कुछ आपने सुना होगा ना, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, सुना होगा ना, वो सब चीजें जो अलग होता ही है, तो उसकी इफेक्ट बाद में डालते हैं। पर हम लोग एज एन ऑडिटर क्या चेक करते हैं? पूरे साल का ट्रांजैक्शन। तो अगर वहां पर आप लोग ने पेमेंट की है, इनकम आई है कोई भी एंटिटी में, सो इट हैज टू बी रिलेटेड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। यू चेक इट इज अप्रूव्ड अंडर competent authority। check it is approved under competent authority। मोहित, for example अगर आपको कोई लैपटॉप खरीदना है या कोई मोबाइल खरीदना है, क्या आप खुद जाके खरीद सकते हो? घर बार है कि नहीं? हाँ मतलब भाई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछोगे। किससे पूछोगे? भैया से। और भैया किससे पूछेंगे फिर? भैया पापा से पूछे। आप पापा से नहीं पूछ सकते। वो एक सेकेंड, वो रहता है ना, वो क्या होता है? ओके तुम्हारा उसका सेटिंग है, सबको पता है, ठीक है, अब तो पूरा इंडिया जानता है। अच्छा तो जनरली जैसे इसने कहा कि जनरली देखो मतलब क्या होता है, बॉयज अगर पापा का ड्राइंग रूम में, हॉल में बैठे, अपन बेडरूम में, पापा बेडरूम में तो अपन किचन में, पापा किचन में अपन घर के बाहर, अपना पापा का इंटरेक्शन मतलब साल में 10 बार ही हुआ होगा पूरे साल भर में, बराबर। गर्ल्स का उल्टा होता है, गर्ल्स का पापा का रोज इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो जनरली आपने बोला कि मुझे लैपटॉप खरीदना तो मुझे पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी, भैया की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो भैया वो पापा क्या हो गए, वो एक अथॉरिटी हो गए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एसी नहीं है, अभी मेरे को यहाँ पर एसी लगवाना है, क्या मैं खुद एसी लगवा सकता हूँ यहाँ पर? नहीं, किससे पूछना पड़ेगा? काय का पूछने का बे, आज ही तुमको सिखाया। ऑडिटर मतलब कौन? राजा। मेरे को लगवाने के मैं लगवा लेगा, पर ये मेरा क्लास है, अपना क्लास है यार, अपन लगवा सकते हैं। पर जनरल अपने को पूछना पड़ेगा डायरेक्टर से। डायरेक्टर कौन? अंशुल सर। क्या होता है अंशुल सर? एकदम सही पकड़े, एकदम ठीक है। तो अंशुल सर से अपन पूछेंगे, तो वो क्या हो गए? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जब भी कोई भी एंटिटी में खर्चा करना होता है तो आपको किसी ना किसी की तो परमिशन लगेगी। तो आप ध्यान रखना, मैं आपको दिखाऊंगा कल की क्लास में, जैसे कोई बिल होता है तो जैसे बिल की पेमेंट होती है तो अपने नॉर्मल क्या होता है, बिल आया अपन ने कैश दे दिया। पर जब भी कोई कंपनी होती ना, उसमें क्या होता है, अप्रूवल लगते हैं। एक डायरेक्टर होगा जो 10,000 रुपए तक के बिल अप्रूव कर सकता है, उसका साइन लगेगा। जो कैशियर होता है, जो अकाउंटेंट होता है, उसका साइन होगा, ठीक है। वो लोग साइन करें, उसके बाद ही पेमेंट होती है। तो आप लोगों को क्या चेक करना है? चेक द ट्रांजैक्शन इज अप्रूव्ड अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सी चेक डिस्टिंग्विश, एक सेकेंड, is made between capital or revenue, whether expenditure or receipts। अब देखो क्योंकि अपना आंसर इनकम एंड एक्सपेंस के लिए कॉमन है, तो अब क्या बोलोगे? चेक प्रॉपर डिस्टिंग्विश इज मेड बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसीट। आप वहां पर गए, आपको वहां देखा सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, बराबर। कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होना चाहिए? रेवेन्यू। तो कहाँ दिखना चाहिए आपको आइडियली? वो पीएनएल में, बराबर। तो एज एन ऑडिटर तुमको बाइफरकेशन नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना। सारा भंगार काम कौन करता है? मैनेजमेंट। हम तो खाली एक ही काम करते हैं, ओपिनियन। हम क्या करते हैं? खाली ओपिनियन देते हैं। तो हमको जाके देखना है कि वो जो एक्सपेंस है सैलरी का, वो पीएनएल में डेबिट है कि नहीं। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब मशीनरी बाई किया, मशीनरी, तो मशीनरी बाई किया है तो क्या होगा? ये कैपिटल एक्सपेंस होगा। तो मशीनरी कहाँ दिखनी चाहिए अपने को? बैलेंस शीट में होनी चाहिए। अच्छा मशीनरी जब बुलाए थे तो उसका भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा था, वो कैपिटलाइज होगा, बराबर। तो वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए। उसका इंस्टॉलेशन करवाया, उसका खर्चा लगा, कैपिटल। उसके लॉयर की फीस भरी अपन ने, कैपिटलाइज होगा, बराबर। तो ये सारे खर्चे कैपिटलाइज होने चाहिए। सी हम ऑडिटर है, हमको क्या देखना है? ये सारे खर्चे कैपिटलाइज हुए कि नहीं हुए। आपको खाली क्या बोलना है एग्जाम में? द ऑडिटर शुड चेक प्रॉपर डिस्टिंग्विश इज मेड बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसीट। ये जो डिस्टिंग्विश करेगा कौन? मैनेजमेंट। कौन करेगा? हमको खाली जाके देखने का है, ठीक है। यच चेक इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुआ। बुआ मतलब चेक इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी का मतलब एंटिटी का कुछ भी खर्चा, कुछ भी पैसा आया, कुछ भी पैसा गया, क्या हर ट्रांजैक्शन बुआ में होना चाहिए? यस और नो? हर मतलब सब, सब मतलब सब, सब मतलब सब, ऑल, ऑल मतलब सब, एवरी, एवरी मतलब ऑल, ऑल मतलब सब। हर ट्रांजैक्शन बुआ में होना चाहिए। बुआ मतलब बुआ, तुम्हारी भी बुआ होगी। बुआ मतलब पापा की बहन। देखो बुआ सबकी होती है पर कोई बताता नहीं है, ठीक है। बुआ इज बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस इन बुआ एंड एफएस? एफएस डिफरेंस इन बुआ एंड एफएस। एक सेकेंड, वो कुछ कह रहा है। बुआ जी की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। बुआ की वजह से आप एफएस बनाते हो। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ बुआ? रिसीट्स एंड पेमेंट्स? नो। वेरी गुड। लेजर। ए तुम्हारा अकाउंट्स हुआ ना? तुम लोग फाउंडेशन क्लियर हो? कैसे लिखा? बुआ का मेरे को एग्जांपल चाहिए। वेरी गुड। कैश बुक, बैंक बुक, पासबुक, जर्नल, लेजर, वो सब क्या आपके बुआ होते हैं। जो उसने बोला बुआ से ही एफएस बनते हैं वो बराबर है, पर अंडरस्टैंड एफएस और बुआ में फर्क है। हम किसकी ऑडिट करते हैं? एफएस की। एफएस को बनाता कौन है? बुआ। कैसे बनाएगी? मैनेजमेंट। किसकी वजह से, किसके दम पे बनाता है वो? बुआ की वजह से। सो बुआ की जो सारी चीजें वो एफएस में जाती है, हम एफएस की ऑडिट करते हैं बेसिकली। समझा आपको चीज ये? नाउ सो एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कॉमन आंसर है। तो मेरा जनरल हो गया, मेरा इनकम एंड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। लेट्स क्विकली रिकॉल। बोलो वी से क्या था? वाउचर्स लाइक डॉट 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 डॉट। Also check the date, serial number, sign, amount. O say occurred over the current period of time. U approved under competent authority. C distinguishes made between C say capital or revenue, expenditure or receipts. H say has been recorded in BUA. क्या बोलोगे? Has been recorded in BUA. BUA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। वापस से करते हैं। वी से वाउचर्स लाइक डॉट 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 डॉट। ऑल्सो चेक दी डेट, सीरियल नंबर, साइन, अमाउंट। ओ से अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। यू अप्रूव्ड अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सी डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। एच हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुआ। बुआ मतलब, अच्छा हमेशा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे पूछेगा, हाउ एज एन ऑडिटर यू विल चेक, हाउ एज एन ऑडिटर यू विल वेरीफाई, हाउ एज एन ऑडिटर यू विल वाउच, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस ऑफ अ स्कूल, ठीक है, इनकम ऑफ अ कॉलेज, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो आपकी बत्ती चले भाई, कुछ भी पूछ दो, अपना तो कॉमन आंसर है। अरे अभी हॉस्पिटल का पूछा तो भी यही आंसर, स्कूल का पूछा तो भी यही आंसर, रेस्टोरेंट का पूछा तो भी यही आंसर। चलो ट्राई करते हैं अपन। अब क्या करना है आपको? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम में पूछता हूं, आता है हाउ एज एन ऑडिटर यू विल वेरीफाई इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ हॉस्पिटल, इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ अ हॉस्पिटल, तो 2 मिनट पहले सोच लो, क्योंकि अपने को एक ढांचा सामने है पर थोड़ा सा बात अपने को हॉस्पिटल का लिखना पड़ेगा, जो तुम्हारा मन करे। अच्छा डोंट फॉलो मोदी जी, मन की बात नहीं, जो बुक में लिखा है ना वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। 2 मिनट सोच लो, देन विल स्टार्ट। YouTube एंड ऐप पीपल, आपको समझ आ रहा है? Somebody saying OPD का रिसीट कुछ ज्यादा ही चला गया। चलो करें शुरू, ठीक है। आपने सर हाथ उठाया था पहले। यस सर, बोलिए। मौसम कैसा है आज का? मस्त है ना? हाँ, सुहावना। ओके, कल कौन आएगा? आंसर करेगा ना राजा? क्या बीजेपी कांग्रेस बोल रहा है? आंसर कर। देखो, अपने को दिमाग नहीं लगाने का बिल्कुल भी है नहीं अपने पास। जो ढांचा है ना उसी को यूज कर, आगे पीछे बस ऐड करने का है, बाकी कुछ नहीं करने का। दिमाग नहीं लगाने का है। लेट हिम ट्राई यार, इट्स ओके। कोशिश करो, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चेक इनकम एक्सपेंसेस ऑफ अ हॉस्पिटल? सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकम एक्सपेंस का आंसर तेरे सामने है। एक मिनट, पहले भाई को बोलने दो, कुछ तो शुरू कर बाबू। कुछ अबे आंख से अंडे कान से बहरे, दिख नहीं रहा सामने आंसर लिखा है, यही तो बोलना है। मैं बोल रहा हूं दिमाग नहीं लगाना है अपने को। चश्मा दिया है ना भगवान ने तेरे को, तो पहनता क्यों नहीं उसको? वो किधर पहनने के लिए रखा हुआ है? फिर आंख में पहनेगा ना, अभी दिख रहा है। वाउचर्स आप अक्का लगा, लाइक अभी हॉस्पिटल में कभी गया है? वेरी गुड। क्या वाउचर्स देखे? किस चीज के वाउचर्स हो सकते हैं? हाँ, बिल होता है तो किस चीज का बिल हो सकता है? कोई भी एक दो चीज बोलनी है। देख, ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन समझ में क्या? वगैरह क्या होता है? बी स्पेसिफिक व्हाट यू आर टॉकिंग। वाउचर्स लाइक डॉट डॉट डॉट। क्या हो गया? नहीं, पेपर इंग्लिश में है। चेक द वाउचर्स लाइक। भाई पेपर मेरा नहीं है, तेरा है। थोड़ा सा स्ट्रेस दे, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा। देख आया, नहीं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, मम्मी की आवाज से आता है सबको। कोई बोला अभी कर कर आया, उसने देखा जरूर जाके। यही ना मोहित ही बोला ना, चेक द वाउचर्स लाइक। यस मैडम, कुछ कह रहे थे आप। चेक द वाउचर्स लाइक, क्या एनीबडी वांट टू ट्राई? तू कुछ कह रहा था गोविंद। ओपीडी रिसीट्स, अपॉइंटमेंट रिसीट, मेडिकल बिल, एटसेट्रा। हो गया खत्म। कोई भी दो तीन चीजें लिखने का बाद में एटसेट्रा ठोकने का है। बैंक स्टेटमेंट, वेरी गुड। सी, बैंक स्टेटमेंट कॉमन है, हर जगह ठोक देने का। इंश्योरेंस पेपर, वेरी गुड। सी एटसेट्रा। वाह बड़ा, वाह वाह वाह, क्या सीखा है पूरे 1.5 घंटे की क्लास में। एटसेट्रा सीखा है ये। अच्छा, फिर आप लिखोगे ऑल्सो चेक दी डेट, सेल नंबर, साइन, अमाउंट। ठीक है, ओ से। अब जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला उसने? इनकम एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में स्पेसिफिक इनकम, स्पेसिफिक एक्सपेंस नहीं बोला। जैसे कि वो पूछे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी बोलता तो आप लिखते हैं चेक द इलेक्ट्रिसिटी हैज अकर्ड, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हैज अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। उसने क्वेश्चन में क्या बोला? इनकम एक्सपेंसेस, तो आप बोलोगे चेक The income expense has occurred over the current period of time. कुछ दिमाग नहीं लगाने का है, जो ढांचा है उसी में क्वेश्चन को फिट करना है। You approved under competent authority. एक सेकेंड, जब approved under competent authority की बात करते हैं तो ये इनकम के लिए आएगा कि एक्सपेंस के लिए आएगा? कि दोनों के लिए आएगा? खाली एक्सपेंस के लिए आता है। अरे जब पैसा कमाते तब थोड़ी अप्रूवल चाहिए अपने को। आप क्या बोलोगे? चेक द एक्सपेंस इज अप्रूव्ड अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सी, चेक प्रॉपर डिस्टिंग्विश इज मेड बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। एच, चेक इनकम एंड एक्सपेंसेस हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ नहीं करना है, खाली अपने को जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर छेपने का है। बैठेगा आराम से। सी, या तो आपके पास ऑप्शन है 140 पेज का चैप्टर है मॉड्यूल में, जब हमें खत्म कर लेंगे ना पूरा 40-60 पेज खत्म हो जाएगा। 140 में से 60 पेज खत्म। तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम 60 पेज पढ़ लो या तो कॉमन आंसर। क्या है तुम्हारी श्रद्धा? क्या है तुम्हारी भावना? क्या है तुम्हारी आकांक्षा? क्या है तुम्हारी इच्छा? देखो मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता, पैसा आपने दे दिया, बुक आपके पास है, मॉडल तुम्हारे पास है, जिसको पढ़ना है पढ़ो, वो 60 पेज है, पर इवेंचुअली एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आना है ना, वो भी कितने मार्क का, 4, 5, 6, क्या करेंगे अपन गाली से, कोड है, गाली देने का नहीं है, कोड है, कोड है, ठीक है। अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंस है, इस साल की होनी चाहिए, क्योंकि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का अपन इफेक्ट बाद में देते हैं 31 मार्च के बाद, तो जो भी एक अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी खर्चा हुआ है, जो भी पैसे आए, वो इस साल के होने चाहिए, ठीक है। एक और करते हैं, लेट्स डू इनकम एंड एक्सपेंसेस क्लब ऑफ अ, ले लीजिए स्पोर्ट्स क्लब, इंदौर स्पोर्ट्स क्लब, चेक द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ इंदौर स्पोर्ट्स क्लब, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, बनाओ, नहीं एक सेकेंड, उसने इनकम एंड एक्सपेंस बोला है खाली, बस बोलो वी से, वाउचर्स लाइक मेंबरशिप रजिस्टर, वेरी गुड, टिकट, बैंक स्टेटमेंट एटसेट्रा, ठीक है। किसी को लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल हो सकता है, क्योंकि इनकम एक्सपेंस सब है ना, कुछ सब कुछ है, जो मन का, मैं बोलता सेफ साइड में 2-3 लिखने का, एटसेट्रा ठोक दो। फिर ऑल्सो चेक डेट, सेल नंबर, साइन अमाउंट, बाकी सेम है, बाकी सेम है। चेक इनकम एंड एक्सपेंस हैज अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम, चेक एक्सपेंस इज अप्रूव्ड अंडर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चेक इनकम एंड एक्सपेंसेस इज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रिसीट, चेक इनकम एक्सपेंसेस हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समझा आपको। सी कुछ या तो तुम मॉड्यूल कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, क्या करोगे? अच्छा, अब तुमको 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट देगा मैं आपको, बाई चांस अभी कोई बच्चा होता है बोले सर नहीं नहीं मेरे को ज़्यादा लिखने का है, ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा अपने को, ऐसा नहीं होता है। सी अब आधे लोग क्या सोचते हैं कि जितना अपन बुक्स आंसर शीट भर कर आएंगे ना उतना हम लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलता है। 36 पेज का आंसर शीट होता है, 36 जनरली उतना ही मार्क्स आता है, 36। सो द कंटेंट यू राइट इज इनवर्सली वेरिएबल टू योर मार्क्स, ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं ऐसा नहीं होता है, ज्यादा पढ़ के जाएंगे ऐसा नहीं होता है। इट व्हाट मैटर्स इज योर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है। बाय चांस अगर आपको कोई पॉइंट है भूल गए, नहीं याद आ रहा है, तो अगर क्वेश्चन में इनकम है, इनकम तुमको अकाउंट्स में सर ने सिखाया होगा कोई एएस, इनकम के लिए कोई तो एएस है, रेवेन्यू रिकग्निशन, नंबर क्या है उसका, क्या है AS 9। सो आप वहां पर क्या ऐड कर दोगे, द ऑडिटर शुड चेक AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बस यही है। एक सेकेंड, क्या तुमको AS 9 आता है? हाँ पूछू, पूरा आता है? मेरे को नहीं आता, सॉरी। तुमको भी नहीं आना चाहिए, ऑडिट के पेपर के लिए नहीं आना चाहिए। उसके अंदर क्या लिखा है वो ढूंढ लेगा जाके, वो कौन, पेपर चेकर। हमको लिखना है द ऑडिटर शुड चेक द प्रोविजन ऑफ AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बस खत्म। अब वो AS 9 में क्या है, वो 3 चीजें है कि वो 2 चीजें है, कैसे बाइफरकेट करते हैं, वो सर ने चार्ट वार्ट बना के दिया तुमको, वो ठीक है, वो अकाउंट्स के पेपर के लिए काम का, ऑडिट के पेपर के लिए कुछ काम का नहीं है। आपको शायद एक और AS होगा, पता नहीं, हैव यू हर्ड अबाउट AS 16? AS 16 क्या है? बोरिंग कॉस्ट। बाई चांस अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट पर, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट है, बोरिंग मतलब आप लोन ले रहे हो, उसका कॉस्ट होगा इंटरेस्ट, तो आपको इतना लिखना है द ऑडिटर शुड चेक द प्रोविजन ऑफ AS 16 बोरिंग कॉस्ट। अब उस AS 16 में अंदर क्या है, अपने कुछ करने का है नहीं, जिसको पढ़ना है वो अकाउंट्स में पढ़ना, ऑडिट में कुछ काम का नहीं है। सी हार्डवर्क गधे भी करते हैं पर वो सक्सेस नहीं पाते हैं, व्हाट यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। कम पढ़ने का पर अच्छा पढ़ के जाने का और अच्छा लिख कर आने का। और मैं बोला देखो 1.5 दिन में सारी चीज़ें नहीं होती है पढ़ के, सो यू हैव टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। जितना आप शॉर्ट कंटेंट बना के चलोगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे ना, चीज़ें याद रहेगी आपको, ठीक है। तो मेरा कोड था गाली, जी से क्या था, ए से असेट्स, एल से आई से इनकम एक्सपेंस, एस से स्पेशल पॉइंट्स। तो मैंने अभी आपको क्या सिखा दिया, असेट्स एंड नहीं जनरल हो गया एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस हो गया। अभी हमारा क्या बचा है, असेट्स लायबिलिटीज एंड स्पेशल पॉइंट्स। अब जब हम बात करते हैं असेट्स की और एक होता है लायबिलिटीज, तो अगेन काय के लिए दो आंसर पढ़ने का, थोड़ा सा दिमाग से खेलने का, कॉमन आंसर। इसका कोड बनेगा वेरीफाई। एक सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंस का कोड क्या था? वाउच। एसेट एंड लायबिलिटी का कोड क्या है? वेरीफाई। ऑडिट कौन सी एंटिटी की होती है? ऑडिट कौन सी एंटिटी की होती है? ऑडिट कौन सी एंटिटी की होती है? मैंडेटरी, कंपनी की। कौन करता है वो ऑडिट? स्टैट ऑडिटर बनने के लिए क्या चाहिए जीवन में? सीए प्लस सीओपी। अच्छा, और देता कौन है सीओपी? वो द आईसीआई, द आईसीआई। समझा आपको? ठीक है, असेट्स एंड लायबिलिटी विल कंटिन्यू पोस्ट ब्रेक। ओके बाय, टेक केयर। ये वापस आना प्लीज। तुमको समझ में आया? इजी है ऑडिट? अरे बहुत ही इजी है, बहुत ईजी है। कितना मार्क्स लाने का अपने को? 70। ठीक है, चलो ये यूट्यूब वालों, ऐप वालों, व्हाट टाइम वी शुड मीट? 3:45 वी मीट। ओके बाय 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 गाइस, टेक केयर। 3:45 बाय।